नाउ टूडे वी आर डिसकसिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोगिन जीन्स इम्योनोग्लोबलिन जीन्स हैवे वास्ट एरे टू बाइंड विद सर्टेन टाइप ऑफ एंटीजन्स लेकिन uh, जो डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस होते हैं uh, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और ऐसे में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है या इम्यूनोगलोबलिन फॉर्मेशन होता है वो हर एंटीजन पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होता है तो किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन के टाइम पर दो टाइप की चेन्स बनती हैं इधर देर इज़ वन इज़ हैवी चेन एंड सेकेंड इज़ वेरिएबल चेन। जो वेरिएबल चेन है, वो वेरिएबल चेन जो रहती है उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो पर्टिकुलरली बाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में ये देखा गया है कि अगर हम जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ से आए इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल से आते हैं तो बी सेल जो रहती है वो जो बोन मेरो है यहाँ पर मैच्योर होती है यहाँ पर इसकी बोन uh, मेरो में मैचुरेशन होता है तो जब ये मैचुरेशन होता है बोन मेरो में तो बी सेल में जेनेटिक रीअरेंजमेंट होता है ऑफ डिफरेंट जीन्स तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट्स हैं वो टेंटो दि पावर सिक्स कॉम्बिनेशंस होते हैं लेकिन जब ये बी सेल मैचर होकर के लिम्फॉइड टिश्यूज़ में आती है या लिम्फ नोट्स में आती है जहाँ पर इसको कोई पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड होना होता है तो इन टेंटो दी पावर सिक्स कॉम्बिनेशंस में जो पर्टिकुलरली उस एंटीजन के पैरल होता है वही एक्सप्रेस होता है लिम्फ नोड में ठीक है तो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन का रीअरेंजमेंट तो एक वास्ट बहुत ही बड़ा रीअरेंजमेंट है जो स्पेशली वर्टिब्रेट्स में मिलता है और जो वेरिएबल रीजनस हैं उसमें मॉडिफिकेशन होता है और वेरिएबल रीजन में जब मॉडिफ़िकेशन होता है तो ये जो मॉडिफाइड प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन बाइंड होता है पर्टिकुलर एंटीजन से तो शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा कि बी सेल जो है वो बोन मेरो में मैचर होती है मैचर होने के बाद में वो लिफोनोट्स में सर्कुलेट होती है सर्कुलेट होते, होते होते जब कोई एंटीजन के साथ बाइंडिंग होती है ट्रैपिंग होती है ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज होता है तब बी सेल में पर्टिकुलर जो जीन होता है वो एक्टिवेट होता है और उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोटीन बनाता है लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो आ, बोन मेरो है उस बोन मेरो में जितने जीन्स थे और जितने टाइप के कॉम्बिनेशंस थे उतने टाइप के कॉम्बिनेशन मैच्योर होने के बाद में जब ये बी सेल लिफनोड में आ जाती है तब उतने टाइप के कॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं वहाँ पर कुछ लिमिटेड कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि पर्टिकुलर होते हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए तो बोन मेरो में बी सेल के जीन अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है और मेचोर होने के बाद में जब ये बाहर आती है बी सेल और लिम्फोनोड में मूव करती है तो नोड में इस बी सेल के जीन अरेंजमेंट का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है तो ये याद रखना है तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर डायगनोटिक रिप्रेजेंटेशन है कि बोन मेरो में सबसे पहले हीमोपोटिक स्टेम सेल जो होती है इसमें किसी भी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस नहीं होता ये कन्वर्ट होती है लिम्फॉइड सेल में इसमें भी किसी भी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन एक्सप्रेस नहीं होता अब यहाँ पर जब इस लिफॉइड सेल में पार्शियल हेवी चेन रीअरेंजमेंट होता है तो हेवी चेन जीन का रीअरेंजमेंट होने पर यह कन्वर्ट होता है प्रो बी सेल में मतलब आप समझें कि हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट हो रहा है यानी कि इस लिम्फॉइड सेल को कन्वर्ट होना है किसी भी टाइप से बी सेल के अंदर तो बनी प्रोबी सेल फिर प्रोबी सेल में भी किसी भी टाइप का इम्यूनिट एक्सप्रेस नहीं होता हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन की एक्सप्रेस नहीं होता फिर कन्वर्ट होता है प्रोबी सेल कंप्लीट हेवी चेन जीन रे अरेंजमेंट में तो अब यहाँ पर हेवी चेन बन गई तो हेवी चेन बन गई तो प्रो बी से ये प्री बी में कन्वर्ट हो गया हेवी चेन बनने पर अब प्री बी चेन में लाइट जीन का लाइट चेन के जेन का रीअरेंजमेंट होगा तो लाइट चेन से डिसाइड होता है कि न, मतलब सॉरी हैवी चेन से डिसाइड होता है कि इसको क्या बनना है तो अभी प्री वी सेल बन गया तो प्री वी सेल में एक्चुअल में म्यू हैवी चेन बनती है जो कि कंप्लीट हैवी चेन जी अरेंजमेंट होता है तो ऐसे में प्रो वी से प्री बी में कन्वर्ट होता है केवल म्यू हैवी चेन के रीअरेंजमेंट से फिर म्यू हैवी चेन और इसमें सेरोगेट लाइट चेन बनती है लाइट चेन जिन डी प्री बी सेल में होता है तो ये कन्वर्ट होता है मेच्योर बी सेल में तो यहाँ पर आप देखेंगे इम यानी एम आई जी एम बना फिर चेंज इन द आर एन ए प्रोसेसिंग यहाँ होती है और ये कन्वर्ट होता है बोन मेरो में ही मेचोर बी सेल में तो बी सेल जो होती है वो मेचोर हो जाती है बोन मेरो में ही अब ये रिलीज़ होती है पेरीफेरल लिम्फॉइड टिश्यू में पेरीफेरल लिम्फॉइड टिश्यू में जो मेचुरल बी सेल है उसमें एंटीजन स्टिमुलेशन हुआ जब कोई एंटीजन आया तो मेचोर बी सेल में क्या क्या मिलता है एक्चुअल में एम आई जी एम और एम आई जी डी क्योंकि हेवी चेन हमारी बन गई है म्यू की और डेल्टा की तो अब मेचर जो है एंटीजन के साथ बाइंड होता है एक्टिवेट होता है एक्टिवेट होता है तो ये सबसे पहले बनाता है आई जी एम प्लाज्मा सेल तो सबसे पहले क्या बनता है आई जी एम फिर यहीं पर मतलब आपसे कोई पूछे कि बी सेल की क्लास स्विचिंग कहाँ होती है तो बी सेल की क्लास स्विचिंग होती है पेरिफेरल लिफॉइड ऑर्गन में यहाँ पर ये यह कन्वर्ट होता है डिफरेंट मेमोरी सेल्स में इसके अलावा आईजीजी आईजीए और आईजीई का सिक्रेशन करता है और खुद कन्वर्ट होता है प्लाज्मा सेल में तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ कन्वर्शन ऑफ बी सेल नाउ जो नेक्स्ट ट्रेडिंग है वो है जेनेटिक मॉडल कंपेटिबल विथ इम्यूनो स्ट्रक्चर तो क्यों आखिर इतनी इम्यूनिवलियन की डाइवर्सिटी होती है इसके इसको ढूंढने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट मॉडल्स सब जो है सब्सक्राइब करते हैं सजेस्ट करते हैं सॉरी तो क्यों आखिर एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है दूसरा ये है कि इम्यूनग्रबियन की जो हैवी चेन है और जो लाइट चेन है इनमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है वेरिएशन क्या रहता है कि जो वेरिएबल रीज़न है उसमें एमिनो टर्मिनल्स होते हैं और जनरली और जो हैवी चेंस के जो कॉन्सटेंट रीजनस हैं उसमें कार्बोक्सिल टर्मिनल्स होते हैं ये डिफरेंस रहता है इसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटाइप विथ द सेम एंटीजेनिक स्पेसिसी विथ रिजल्ट फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ गिवन वेरिएबल रीज़न विद डिफरेंट हैवी चेन कॉन्सटेंट रीज़न तो ऐसे बहुत सारे ऐसो टाइप्स हैं जिसमें सेम एंटीजन की देखने को मिलती है एक ऐसो टाइप जो होता है वो भी उसी एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है दूसरा ऐसो टाइप होता है वो भी उसी से बाइंड हो सकता है लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इनमें डिफरेंट वेरिएबल रीजन्स हों ठीक है तो मतलब डिफरेंट हैवी चें डिफरेंट वेरिएबल रीजन्स भी जो होते हैं वो कभी कभी एक ही एंटीजन से बाइंड होने की स्पेसिफिसिटी रखते हैं तो क्यों इतनी डाइवर्सिटी है इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने दो अलग अलग मॉडल सजेस्ट करे हैं पहला मॉडल है जर्म लाइन थ्योरी और दूसरा जो मॉडल है वो है सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी जर्म लाइन थ्योरी वाली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया है कि जो जर्म लाइन है जैसे कि एग है स्पम है इस जर्म सेल्स के अंदर वास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन के जीन्स के रिपोर्टायर होते हैं मतलब जीन रिपोर्टायर जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है इन द जर्म लाइन थ्योरी इसके अलावा जो सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी है इसमें ये बताया है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन जीन के रिपोर्टायर नहीं होते ठीक है तो यहाँ पर यह है कि स्मॉल नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स इसमें होते हैं और लेकिन इसमें यह होता है कि इसमें जो एंटीबॉडी स्पेसिसिटी क्रिएट करने वाली जो क्वान्टिटी है वो लार्ज नंबर होती है तो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इम्यूनोग्रिविल जीन्स वी कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी स्पेसिटीज ऐसा क्यों पॉसिबल है इन द सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी में बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ देर आर लॉट ऑफ म्यूटेशन एंड रिकॉमनेशन तो विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन एंड विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो सोमेटिक सेल है इसमें uh, बहुत ज़्यादा सोमेटिक वेरिएशन होने के कारण डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स बनते हैं आ, लेकिन ये जो सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी है और जर्म लाइन थ्योरी है अगर ये दोनों हम आगे चल के देखें भी सही तो ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने लार्ज कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट या फिर इतने ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाने के बाद भी क्यों ऐसा है कि स्पेसिफिक टाइप के एंटीबॉडीज़ बनते हैं है ना आ, मतलब हाउ कुड स्टेबिलिटी टू बी मेंटेन्ड इन ए कॉन्स्टेंट रीज़न वाइल सम काइंड ऑफ डाइवर्सिफाइंग मैकेजम जनरेटेड द वेरिएबल रीज़न क्यों ऐसा है कि कॉन्स्टेंट रीजन में हमेशा स्पेसिफिसिटी होती है उसके पर्टिकुलर जीन्स होते हैं और क्यों ऐसा है कि वेरिएबल रीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं दूसरा यह है कि जर्म लाइन में जैसे हम सोमेटिक वेरिएशन की अगर बात करें तो ऐसा क्यों है कि बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सीफाई होने के बाद भी आ, हमें जो हैवी और लाइट चेन के रीज़न से वो अनचेंज्ड मिलते हैं ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं या रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी क्यों ऐसा है कि हमें पर्टिकुलर एक ही टाइप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमें चाहिए जो रिक्वायर्ड है वही मिलता है तो इसके लिए अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है अब हम नेक्स्ट आते हैं ड्रेयर एंड बर्नेट प्रपोज द टू जीन मॉडल जो ड्रेयर एंड बर्नेट है इन्होंने 1965 में अपने पेपर में सजेस्ट किया कि ये पॉसिबल है कि टू जीन मतलब दो अलग अलग जीन एक कांस्टेंट रीजन के लिए और एक वेरिएबल रीजन के लिए जो जीन्स हैं वो जो जीन होते हैं वो साथ साथ होते हैं ऐसा इन्होंने प्रपोज किया ठीक है टू सेपरेट जीन्स इनकोड अ सिंगल इमिन हैवी और लाइट वन जीन फॉर द वेरिएबल रीज़न एंड अदर इज़ फॉर द कॉन्स्टेंट रीज़न ऐसा उन्होंने प्रपोज किया और उन्होंने ये भी बताया कि वेरिएबल रीजन के लिए थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं जर्म लाइन में जबकि कॉन्स्टेंट रीजन के लिए सिंगल कॉपी ऑफ कॉन्स्टेंट रीज़न क्लास एंड सब क्लास जीन की ज़रूरत होती है जो कि उसमें प्रेजेंट होता है जर्म लाइन में ऐसा इन्होंने प्रपोज किया लेकिन ये जो ड्रायर की हाइपोथेसिस थी ये हाइपोथेसिस भी मतलब उस समय सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि उस समय बहुत सारी जो डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजीज थी वो नहीं थी जो आज प्रेजेंट है तो इसी के जस्ट बाद में जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस uh, दी थी वो दी थी टोनेगावास बॉम्ब शेल इम्यूनोग्लोबुलिन जीन री ठीक है टोनेगावा बॉम्ब शेल इम्यूनोग्लोबुलिन जीन री अरेंजमेंट तो ये 1976 में एस गावा एंड एन हजुमी एन हॉजूमी ने दी थी तो इन्होंने क्या प्रपोज़ किया इन्होंने टोनेगावा और होजुमी ने प्रपोज़ किया कि जो वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन के जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं है ना किसी भी जर्म लाइन में और जब बी सेल का डिफ्रेंसीशन होता है तब उस समय ये जीन्स आपस में रीअरेंज होते हैं ठीक है मैं रिपीट करता हूँ कि टोनेगावा और एन हजुमी ने ये प्रपोज़ किया कि जो जीन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं वेरिएबल एंड कॉन्सटेंट रीजन के ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन एंड दैट द जीन्स आर रिअरेंज्ड इन द कोर्स ऑफ बी सेल डिफ्रेंसीशन और उनकी उन्होंने एक्चुअल में इसको क्या है ये विद द एविडेंस उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने इसको प्रूव किया था इसलिए 1987 में टोनेगावा को नोबल प्राइज़ दिया गया अब इसमें उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एम्ब्रोनिक सेल ली और एडल्ट माइलोमा सेल ली और एम्ब्रोनिक सेल और एडल्ट माइलोमा सेल की डिफरेंट स्टेजेस ली तो एम्ब्रोनिक सेल में आपको मालूम है एम्ब्रोनिक सेल में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ये एक्चुअल में एक टाइप की जो क्या बोलते हैं हीमोपोटिक सेल है वो है और एडल्ट माइलोमा सेल्स यानी कि जो फाइनली प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो चुकी है वो वाली बी सेल है तो इन दोनों के बीच में जो बहुत डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं बी सेल मेचोरेशन की वो सारी की सारी इन्होंने ली और लेने के बाद में इन्होंने क्या करा कि उसके जो डीएनए थे उसको वेरियस रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियर एंजाइम के साथ में उन्होंने रन किया और हाइब्रिडाइज किया विद द रेडियो लेबल्ड एम आर एन ए तो जब पहले इन्होंने आरडाइजेशन नहीं किया था आ, मतलब इनिशियली Uh, मतलब यही uh, जो जर्म लाइन है हाँ यहाँ से आपको समझ में आएगा कि जो जर्म लाइन है जो एम्बरूनिक सेल्स होती हैं उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो इन्होंने आर्यडाइजेशन किया तभी इन्होंने ये देखा कि जो बैंड था वो काफ़ी लो मोलिकुलर वेट का था तो नीचे तक चला गया वो इसका मतलब ये है कि इस समय रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था हेवी चेन और लाइट चेन का अब आपको पता है कि हेवी चेन तो हैवी होती है लाइट चेन लाइट होती है तो लाइट चेन अलग हुई तो यहाँ इसने लो मोनिकुलर वेट का एक बैंड दिया जो सबसे नीचे चला गया लेकिन जब रीअरेंजमेंट हुआ तो रीअरेंजमेंट होने पर ये जो है आप देखेंगे मायलोमा सेल के अंदर का जीन है ये जो कि रीअरेंज हो चुका है तो जब रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट होने के बाद में ये जितनी भी आरी डाइजेशन की जो साइट्स होती हैं ये 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 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं है ना इन व्यू वो तो जब ये रीअरेंजमेंट होता है तब क्या होता है कि जो वेरिएबल चेन होती है वो कांस्टेंट चेन के साथ में बाइंड हो जाती है तो ऐसे में आफ्टर रीअरेंजमेंट जब इन्होंने साउदर्न ब्लॉटिंग करा और जेल को रन करा तब इन्होंने देखा कि ड्यू टू रीअरेंजमेंट कॉन्स्टेंट और वेरिएबल रीजनस बाइंड हो गए ऐसे में यहाँ रीअरेंजमेंट के कारण हमको जो बैंड मिलता है वो लो मोलिकुलर वेट का नहीं होता वो थोड़ा सा हाई मोलिकुलर वेट का होता है इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे लो मालिकर वेट होने के कारण ये बैंड नीचे तक चला गया था पर यहाँ पर हाई मोलिकुलर वेट होने के कारण ये बैंड ज़्यादा नीचे तक नहीं गया अगर एग्ज़ाम में भी आपको ये फोटो बनाना है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है इसलिए कॉन्स्टेंट रीज़न अलग है और ज्वाइनिंग रीज़न अलग है ठीक है ये पूरा एक सेगमेंट है और ये वी के साथ बाइंड नहीं हुआ है लेकिन जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तो ये जो आरी साइट है ये वाली ये रिमूव हो गई है और ये वी वन सीधा जे के साथ बाइंड हो गया है यहाँ पे तो पहले हमने जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोफ से डिटेक्ट किया था एम के हाइब्रिडाइजेशन प्रोफ से तब सिर्फ जे और ये कॉन्स्टेंट रीजन ही डिटेक्ट हुआ था तो ये बहुत लो मालिकर वेट का होने के कारण नीचे चला गया था लेकिन जब दूसरी बार हमने इसी रियरेंज जीन को प्रोफ से आइडेंटिफाई किया तो ये रिय हो चुका था विद द वेरिएबल रीजन के साथ इसकी बाइंडिंग हो गई थी ऐसे में इसने जब डिटेक्ट किया तो इसका मॉलिकुलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा मिला तो टोने गाबा का ये जो पायनियर एक्सपेरिमेंट था ये आज भी हमारे लेबोरेटरी में यूज़ होता है हालांकि एक टीडीएस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर था उस समय तो अल्टीमेटली साउदर्न ब्लॉटिंग हम इसमें करते हैं इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस की जो सेल होती है उसको लेते हैं और एनालिसिस करते हैं कि इनिशियली जब हम आरी एंजाइम्स के साथ डाइजेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप की बैंड्स मिलते हैं लेकिन जब जीन का रीअरेंजमेंट होकर वो सेल मैच्योर हो जाती है तो हमें डिफरेंट टाइप के आरिडाइजेशन पैटर्न मिलते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ़ दैट हम बता सकेंगे कि आखिर कौन कौन से जीन आपस में रीअरेंज हुए हैं और इसी को मेजरली अभी लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है आ, इस टेक्निक को ताकि हम बता सकें कि मैचरेशन का पैटर्न क्या है किसी भी सेल का नाउ नेक्स्ट हेडिंग है मल्टी जीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम जीन्स इन जर्मल एन डी एन एच ऑफ दिस मल्टी जीन फैमिली कंटेनर सेवरल कोडिंग सिक्वेंस कॉल्ड जीन सेगमेंट्स, सेपरेटेड बाय नॉन कोडिंग रीजन्स तो जितने भी फंक्शनल जीन्स हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स से डिवाइडेड होते हैं यानी कि एक फंक्शनल जीन आ गया फिर एक नॉन कोडिंग सिक्वेंस आ गया फिर एक फंक्शनल जीन आ गया फिर एक नॉन कोडिंग सिक्वेंस आ गया ज्यूरिंग बी सेल मेचूरेशन दिस जीन आर ब्रॉड टुगेदर टू फॉर्म फंक्शनल इम्यूनोगबलिन जीन्स तो ये जितने भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस हैं ये बी सेल मेचोरेशन के टाइम पे रिमूव हो जाते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं फंक्शनल जीन्स सारे के सारे या मल्टी जीन सारे के सारे और ऐसे करके इम्यूनोगबलिन जीन फंक्शनल हो जाता है ठीक है ईच मल्टी जीन फैमिली हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स अब ऐसा नहीं है कि जो मल्टी जीन्स होते हैं ये एक्चुअल में अपने खुद के इनके फीचर्स होते हैं जैसे कपड़ लेमडा जो लाइट चेंस हैं उसमें वी जे ओ सी जीन सेगमेंट मिलता है ठीक है जितनी भी लाइट चें्स हैं कप्पा और लिमडा की उसमें वी जे ओ सी जीन के सेगमेंट मिलते हैं और जब ये रीअरेंज होते हैं तो द री वी जे सेगमेंट इनकोड वेरिएबल रीज़न ऑफ द लाइट चेन तो ये तो हो गई लाइट चेन की बात मतलब देखिए सी यानी कि कांस्टेंट रीज़न तो मिलता ही मिलता है लेकिन जब इनका रीअरेंजमेंट होता है तो लाइट चेन में जब वेरिएबल रीज़न बनता है तो सी रीजन हट जाता है सी रीजन हट जाता है और रीअरेंजमेंट में जो वीजे सेगमेंट होता है वो वेरिएबल रीज़न को कोड करता है और हेवी चेन फैमिली में जो वी डी जे और सी सेगमेंट होते हैं तो ये मल्टी जीन्स हो गए यहाँ पर आप देखिए डी भी मिल है है ना तो हेवी चेन की फैमिली में वी डी जे और सी जीन सेगमेंट्स होते हैं ये जब आपस में रीअरेंज होते हैं तो वी डी और जे जीन जो होते हैं वो वेरिएबल रीज़न को कोड करते हैं तो आपको अगर कोई पूछे तो इतना याद रखना है कि लाइट चेन में वी और जे लाइट चेन के वेरिएबल रीज़न को कोड करते हैं हेवी चेन में वी डी जे जीन सेगमेंट जो होते हैं वो हेवी चेन की वेरिएबल रीजन को कोड करते हैं तो वेरिएबल रीज़न को ही कोड कर रहे हैं लेकिन लाइट चेन में वी जे सेगमेंट कोड करता है हेवी चेन में वी डी जे सेगमेंट कोड करता है और अगर दोनों ही की बात करें यानी कि लाइट चेन की light chain और हेवी चेन की तो दोनों ही चेन में जो कॉन्स्टेंट रीजन है वो सी जिन कोड करता है वेरिएबल रीज़न में जो वी जिन होता है उस वी जिन के और भी पहले एक स्मॉल एग्जॉन होता है वो फाइव प्राइम एंड पे होता है है ना और ये कोड करता है सिग्नल या लीडर पेप्टाइड को है ना? ये यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो वेरिएबल रीज़न होता है उसके पहले एक लीडर सिक्वेंस होता है और ये लीडर सिक्वेंस एक एग्जॉन है है ना? एक्जॉन का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोटीन बनाए एक्सप्रेस हो तो ये जो है लीडर सिक्वेंस है ये एक सिग्नल पेप्टाइड प्रोड्यूस करता है और इस सिग्नल पेप्टाइड का क्या काम है ये सिग्नल पेप्टाइड गाइड करता है हेवी और लाइट चेन को थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि वो आ, फाइनल इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बना लें हेवी और लाइट चेन को गाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि वो आ, मतलब वो गाइड करता है अल्टीमेटली वो गाइड करता है इन चेन्स को कि कहाँ जाना है इसके बाद क्या करना है तो जब इमिनोग्लोबिल बन जाता है तो ये जो सिग्नल या लीडर पेप्टाइड सिक्वेंस है ये रिमूव हो जाता है फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अब ये जो लेमडा लाइट चेन कप्पा लाइट चेन और हेवी चेन की लोकेशन देख लेते हैं कि इनके जीन्स कहाँ होते हैं ह्यूमन में लेमडा लाइट चेन के जीन्स होते हैं ट्वेंटी टू नंबर के क्रोमोसोम पे माउस में सिक्सटीन नंबर के क्रोमोसोम पे कप्पा लाइट चेन टू नंबर के क्रोमोसोम पे माउस में सिक्स नंबर के क्रोमोसोम पे हेवी चेंज होता है ह्यूमन में फोर्टीनथ नंबर के क्रोमोसोम पे और माउस में ट्वेल्थ नंबर के क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है अब हम देखेंगे कि जो लेमडा चेन है इसमें कितने कोडिंग रीजन्स होते हैं कितने नॉन कोडिंग रीजनस होते हैं तो लेमडा चेन जो है ये लेमडा मतलब क्या हो गया आ, ये लेमडा का यानी कि लाइट चेन लेमडा क्या हो गया लाइट चेन लेमडा और कप्पा दोनों क्या थे लाइट चेन थे तो ये जो लाइट चेन होती है इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दो रीज़न होते हैं तो ये देखा गया है कि जब लेमडा चेन बनती है तो इनिशियली जो 97 फर्स्ट 97 सेवन एसिड थे उनको जब लेमडा चेन के जो जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से कंपेयर किया गया तो स्टार्टिंग में तो ठीक मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल जीन सेगमेंट है वो शुरुआत के 97 सेवन एमिनो एन को कोड करता है पर बीच में ऐसा सेगमेंट मिला जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कोड नहीं करते फिर लास्ट लास्ट में थर्टीन एमिनो एसिड के जो कार्बोक्सिलिक एंड वाले सीक्वेंस थे कार्बोक्सिल टर्मिनल एमिनो एसिड जो थे वो मिले जे चेन के से मैच करते हुए जो कि थर्टी नाइन पेयर का जीन सेगमेंट था तो इससे समझ में आता है कि इनिशियली जो लेमडा चेन होती है वो दो अलग अलग जीन सेगमेंट से बनी होती है और बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है उसमें तो इनिशियली लेमडा चेन में सबसे पहले जो वेरिएबल सेगमेंट uh, होता है उससे 97 सेवन एम बनते हैं फिर बाद बीच में जो होता है जीन में वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाते हैं फिर लास्ट में जो है थर्टी नाइन बेस्फेयर के जे सेगमेंट से तेरह अलग अलग कार्बोक्सिल टर्मिनल इम्यनासिट्स का सिंथेसिस होता है ठीक है तो मैंने जो आपको अभी बताया उसको आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि जो वेरिएबल रीज़न है उसके आगे लीडर सीक्वेंस होता है या सिग्नल सीक्वेंस होता है जब इम्यूनोग्लोबुलिन सिंथेसिस होता है तो ये लीडर सीक्वेंस रिमूव हो जाता है ये गाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन फिर वेरिएबल रीज़न आ गया वेरिएबल रीज़न से जिस मैंने अभी आपको बताया कि लगभग स्टार्टिंग के 97 सेवन एसिड कोड होते हैं फिर बीच में एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस आता है फिर इसके बाद में थर्टी नाइन पेयर का जे सिक्वेंस आता है जिससे थर्टीन कार्बोक्सिल टर्मिनल एमिनो एसिड कोड होते हैं तो ये था हमारा भी लेमडा चेन के बारे में अगर हम माउस में बात करें तो माउस में लगभग तीन वेरिएबल रीजन्स होते हैं चार जे uh, रीजन्स होते हैं और चार जो होते हैं कॉन्सटेंट रीजन्स होते हैं ये लेमडा के हैं ठीक है अब इसमें जो कुछ कुछ जे रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि स्यूडोजीन कहलाते हैं मतलब जो कोड नहीं करते तो जो नॉन कोडिंग होते हैं ऐसे जे रीजन्स को हम स्यूडोजीन्स कहते हैं और इसको हम यहाँ पर फाइ से डिनोट करते हैं तो स्पेशली अगर हम लेमडा चेन में बात करें तो स्पेशली जे लेमडा फोर जो है वो इस पूरे जीन सीक्वेंस में अकेला एक ऐसा सीडोजीन है जो कि मिलता है जे लेमडा फोर जो कि माउस के अंदर मिलता है पर अगर ह्यूमंस में इसकी हम बात करें तो ह्यूमंस में जो जे लेमडा फोर है ये सीडोजीन नहीं है ये कम्प्लीटली फंक्शनल जीन है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जे लेमडा फोर है ह्यूमंस में वो सी कॉन्स्टेंट सी लेमडा फोर के साथ सीधा बाइंड हो चुका होता है तो बीच में कोई नॉन कोडिंग सिक्वेंस उसमें नहीं होता इसलिए जे लेमडा फोर ह्यूमन में जो होता है सीडोजीन नहीं होता एक फंक्शनल जीन होता है अगर हम ह्यूमन में इस लेमडा चेन की बात करें तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन में जो है थर्टी वन फंक्शनल वेरिएबल लेमडा जीन्स मिलते हैं फोर जे लेमडा सेगमेंट्स मिलते हैं और सेवन जो होता है कॉन्सटेंट लेमडा सेगमेंट्स मिलते हैं और इसमें ये देखा गया है कि फंक्शनल जीन के अलावा ह्यूमन uh, के लेमडा जीन कॉम्प्लेक्स में वेरिएबल जे और सी के सीडो भी मिलते हैं अब हम कप्पा चेन मल्टी जीन फैमिली की बात करें तो आप ये देखेंगे कि अभी हमने लेमडा की बात करी अब कप्पा की अगर हम बात करते हैं तो माउस के केस में लगभग एटी वेरिएबल कप्पा जीन्स मिलते हैं 5 जे कप्पा जीन्स मिलते हैं और वन सी यानी कांस्टेंट जीन मिलता है यहाँ पर ये यह सी रीज़न जो होता है वो कांस्टेंट चेन को कोड करता है और ये जो वेरिएबल जीन्स हैं वी और जे ये मिलके जो लाइट चेन के वेरिएबल रीज़न को कोड करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट होता है माउस के केस में एटी फाइव फाइव और वन और आप इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे ऊपर वाले और नीचे वाले में कितना डिफरेंस है कि ऊपर वाले में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में जे चेन आती है जबकि नीचे वाले में वेरिएबल वेरिएबल रीजन अलग हैं जे रीजन अलग हैं और कॉन्स्टेंट रीजन अलग है यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी आ, माउस में एक जे कप्पा जो होता है वो एक सीडोजीन होता है तो आउट ऑफ फाइव जो वन जे कप्पा है वो सीडोजीन है ह्यूमन के केस में आ, जो संख्या है कप्पा चेन के मल्टीजीन्स की वो अलग अलग है जैसे ह्यूमन के केस में फोर्टी तो वेरिएबल कप्पा जीन्स होते हैं फाइफ जे कप्पा जीन्स होते हैं और सिंगल सी के जीन होता है तो आप देखेंगे माउस में ये एटी फाइव है जबकि ह्यूमन में ये फोर्टी वी के जीन्स हैं अब आते हैं हेवी चेन मल्टी जीन फैमिली पर तो जो ऑर्गेनाइजेशन है इम्यूनोग्लोबुलिन के हेवी चेन के जीन्स का वो लगभग सिमिलर होता है विथ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कप्पा एंड लेमडा लाइट चेन जीन्स से लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंस होता है और इस स्लाइड डिफरेंस को एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले प्रूव किया था लेरॉय हुड ने एंड कलिक्स ने तो लेरॉय हुड एंड कलिक्स ने क्या देखा जैसे इन्होंने ये देखा कि जो वेरिएबल जीन सेगमेंट होते हैं वो लगभग वन टू नाइन्टी फोर एमुन को कोड करते हैं ठीक है और जो जे हेवी चेन के जो जे रीजन्स होते हैं वो लगभग नाइन्टी एट से 113 एमिनो एसिड को कोड करते हैं लेकिन हेवी चेन में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है एसिड की 95 से 97 सेवन एसिड्स की वो ना तो वेरिएबल चेन कोड कर रहा है ना ही जे चेन कोड कर रहा है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड uh, uh, है जो सीक्वेंस है जो कि 95 से 97 सेवन एसिड को कोड कर रहे हेवी चेन में उसको इन्होंने डिटरमाइन किया और इसको प्रपोज़ किया कि ये जो जीन है, हैं ये कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजनस हैं यानी कि सी डी आर थ्री और इसलिए इन्होंने इसको डी यानी डाइवर्सिटी रीजन से डिजिग्नेट किया ठीक है इसका मतलब ये है कि एक डी जीन और होता है जो कि 95 से 97 सेवन एमसिट को कोट करता है इसी को मतलब जो हमने लॉरी एंड इनके कलिग्स ने जो देखा वही के वही जो है टोने गावा ने भी देख लिया था पहले ही पर उन्होंने टोने गावा ने इसको कैसे प्रूव किया कि जो सी डी एन ए के प्रोब इन्होंने लिए जो स्पेसिफिकली इस डी रीजन्स के कॉम्प्लीमेंट्री थे और बाइंडिंग कराया और ये देखा कि वेरिएबल हैवी रीज़न और जॉइनिंग हैवी रीजन्स के अलावा भी एक डी रीज़न होता है तो इसको हम इस पिक्टोरियल डायग्राम से समझ सकते हैं यहाँ पर भी जो लीडर सिक्वेंस है वो आपको देखने को मिलेगा जो कि फाइव प्राइम एंड पे है यहाँ ऊपर भी फाइव प्राइम एंड पे ही थे इसके बाद वेरिएबल रीज़न्स आपको मिलेंगे देखने को फिर इसके बाद में जो जे रीज़न्स होते हैं और वेरिएबल रीजन्स होते हैं इनके बीच में आपको डाइवर्सिटी के डी रीज़न्स देखने को मिलेंगे हेवी चेन में तो हेवी चेन में और लाइट चेन में डिफरेंस यही है कि लाइट चेन में डी रीज़न नहीं होते हैं जबकि हेवी चेन में डी रीज़न होते हैं तो इसके बाद जे चेन के बाद में आपको सी यानी कि कांस्टेंट रीज़न देखने को मिलेंगे तो अब इस जीन अरेंजमेंट की हम बात करें तो ह्यूमन के केस में हमें पता है कि फोर्टीनथ नंबर के क्रोमोसोम पर यह हेवी चेन मिलती है और इस हेवी चेन में लगभग फिफ्टी वन तो वेरिएबल हैवी जीन के सेगमेंट होते हैं इसके बाद जो डी सेगमेंट है वो 27 होते हैं और अगर हम माइस की बात करें तो माइस के केस में फिफ्टी वन वेरिएबल रीज़न्स होते हैं ट्वेंटी सेवन डी रीजन्स होते हैं और सिक्स जो होते हैं वो जे हैवी रीजन्स होते हैं माइस के केस में इसके बाद लगभग इतनी डाइवर्सिटी हो गई पर फिर भी एक कंजर्वड जीन रीज़न है जो कि सिक्वेंशल ऑर्डर में होता है जो कि सी की हम बात कर रहे हैं सी जो है एक दो तीन चार पाँच तो जो सी है मैंने भी आपको बात बताई वेरिएबल और डी चेन की तो जो सी है वो एक सिक्वेंशल ऑर्डर में होता है सबसे पहले सी का म्यू होता है फिर कांस्टेंट का डेल्टा होता है फिर कांस्टेंट का लेमडा होता है ए गामा होता है फिर कांस्टेंट का एप्सिलॉन होता है कांस्टेंट का अल्फा इस अरेंजमेंट में ये आपस में होते हैं तो इसीलिए जब भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है इनिशियल तो वो सी म्यू यानी कि सबसे पहले आई जी एम बनता है तो आप ध्यान दीजिए कि हेवी चेन में अलग अलग चेन्स होने के कारण हमें इम्यूनोक्लोरिन अलग अलग मिलते हैं आई जी एम फिर इसके बाद आई जी डी फिर इसके बाद आई जी जी है ना इस टाइप से हमको देखने को मिलते हैं तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये सभी एक सिक्वेंशल ऑर्डर में होते हैं जीन रीअरेंजमेंट और आ, ये काफ़ी कन्जर्व होते हैं क्योंकि काफ़ी वेरिएशन होने के बाद भी जो बायोलॉजिकल नेचर है उसमें ये जो सी रीजन्स का सिक्वेंशल ऑर्डर है ये कंजर्व होता है नाउ नेक्स्ट नेक्स्टिंग है वेरिएबल रीजन जीन रीअरेंजमेंट तो वेरिएबल जीन का जो रीअरेंजमेंट है वो कैसे होता है तो जैसा हमें पता है कि बोन मेरो में जो हिमोपोटी स्टेम सेल है वो लिम्फॉर्ड सेल में कन्वर्ट होती है और सबसे पहले जो जीन रीअरेंजमेंट है वो प्रिपरेशन होता है हेवी चेन के लिए तो हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट सबसे पहले होता है तो जब ये हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट हो जाता है तो ये प्रो बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है फिर यहाँ पर प्रो बी सेल जो होती है बाद में वो प्री बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है अब प्री बी सेल बनने के बाद में लाइट चेन के जीन रीअरेंजमेंट का होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप याद रखें कि हेवी चेन का जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है फिर बाद में जो है प्री बी सेल के समय पर लाइट चेन जीन रीअरेंजमेंट स्टार्ट होता है फाइनली इसमें जब जीन रीअरेंज हो जाता है तब आगे क्या होता है तो हम इसको यहाँ से समझेंगे कि ये जो जीन है जब आपस में रीअरेंज हो जाते हैं तो ये एक इनिशियल जर्म लाइन है जो कि इस समय बोन मेरो के अंदर है और ये एक हमारी जो प्राइमरी सेल है स्टेम सेल है उसमें ये है हीमोपोइटिक सेल में जैसे ही जीन रीअरेंजमेंट हुआ तो ये लाइट चेन बनने की हम बात कर रहे हैं अभी ठीक है तो ये जो वी और जे ज्वाइनिंग है क्योंकि हेवी चेन बन गई है ना अब हम यहाँ लाइट चेन बनने की बात कर रहे हैं यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया तब आप यहाँ देखेंगे कि रीअरेंजमेंट में जो नॉन कोडिंग सिक्वेंस है वेरिएबल और जे के बीच वो रिमूव हो गए इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन में ये एक्चुअल में क्या वो कन्वर्ट हो गया आर में ये एम जो होता है ये निकल के बाहर आ गया न्यूक्लियस से और ये एम न, कन्वर्ट होता है और इसकी आर की स्प्लाइसिंग होती है इसमें पॉलिडीनाइेशन होता है और जब ये आर बाहर आता है तो पोलियरेशन यहाँ हो चुका होता है पॉलीएटेल बन चुकी होती है और ये सभी के सभी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है जो आर की स्प्लाइसिंग है इंट्रॉन्स की वो हो जाती है और यहाँ पर न्यूक्लियस में बाहर एम तैयार हो जाता है अब एम जो है वो ट्रांसलेशन करके नेसेंट पॉलीपेप्टाइड बनाता है यहाँ आप ध्यान देंगे कि देखो लीडर सीक्वेंस कंटिन्यू बना हुआ है वेरिएबल जीन है वेरिएबल जीन जेक के साथ पहले से ही जॉइंट हो चुका है और जो कांस्टेंट रीज़न है वो ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है तो अल्टीमेटली ये एक पॉलीपेप्टाइड बनता है इसमें इसको आप कहेंगे लाइट चेन लाइट चेन के अंदर वेरिएबल रीज़न भी है कप्पा का और कांस्टेंट रीज़न भी है है ना तो ये एक लाइट चेन बन गई आपकी तो इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि बोन मेरो में सबसे पहले हेवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है इसके बाद में बी सेल प्री बी सेल में कन्वर्ट हो जाती है इसके बाद लाइट चेन का रीअरेंजमेंट होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है तो एक बार रीअरेंज होने के बाद में ये जो बी सेल होती है ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट होती है और जब आ, ये किसी पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में बाइंड होती है तब यहाँ पर इसका ये मेचर हो के बाहर निकल गई बोन मेरो से अभी इस समय जो लम्फॉइड टिश्यूज़ हैं उसमें है सर्कुलेटिंग ब्लड में है और जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है लिम्फ नोड्स वगैरह हैं वहाँ पर है तो यहाँ पर इस में जो वेरिएबल जीन्स हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ पर बनता है इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास स्विचिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो पहले जीन रीअरेंजमेंट होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता लेकिन बाद में जो बोन मेरो से निकलने के बाद जो जीन रीअरेंजमेंट होता है वो एंटीजन स्पेसिफिक होता है तो ये जीन अरेंजमेंट एंटीजन स्पेसिफिसिटी को किसी भी टाइप से अफेक्ट नहीं करता ठीक है नाउ नेक्स्ट इसी में है अब हम समझेंगे लाइट चेन डीएनए अंडरगोज ये कैसे होता है तो लाइट चेंज जो होती हैं वो या तो लेमडा होगी या कपा होगी तो इसमें जो रीअरेंजमेंट है वो ये देखा गया है कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो वेरिएबल लेमडा है वो कोई सा भी वेरिएबल लेमडा जो फोर अलग अलग फंक्शनल जे ओ सी लेमडा है उनके साथ कंबाइंड हो सकता है है ना तो अभी हमने बात की थी कि, कि कितने वेरिएबल लेमडा हैं ह्यूमंस में तो ह्यूमंस में टोटल थर्टी वन फंक्शनल वेरिएबल लेमडा जीन्स हैं ये हम पहले बता चुके थे तो ये जो थर्टी वन टाइप के वेरिएबल लेमडा जीन्स हैं ये ह्यूमन में फ़ोर जे ओ सी होते हैं तो उसके साथ में कैसे भी करके बैंडिंग कर लेते हैं लेकिन माइस के केस में अगर देखें तो माउस में वेरिएबल वन uh, का जो लेमडा है वेरिएबल लेमडा वन जो है वो ही बाइंड करेगा जे वेरिएबल वन से या फिर जे वेरिएबल थ्री से मतलब इस वेरिएबल रीज़न को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो किसी भी जे या सी से बाइंड कर सके यहाँ पर यह देखा गया है माउस में कि केवल वेरिएबल लेमडा वन जीन जो होता है वो या तो जे के वन से या जे के थ्री वाले जीन सेगमेंट से बाइंड होगा ऐसे ही वेरिएबल टू जीन की बात करें तो वेरिएबल जीन टू जो होता है जे एल टू के साथ बाइंड होता है ह्यूमन के केस में अब हम कप्पा लाइट चेन की बात करें तो कप्पा लाइट चेन जो होता है वो किसी भी टाइप का कप्पा जीन जो होता है वो किसी भी टाइप के फंक्शनल जे जीन के साथ में बाइंड कर जाता है अब हम आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे रीअरेंज जीन सिक्वेंस पैटर्न के बारे में तो कप्पा या लेमडा दोनों ही केस में फाइव प्राइम अपस्ट्रीम पर सबसे पहले ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्वेण होता है जहाँ पे प्रमोटर होता है इसके बाद में लीडर सीक्वेंस आता है लीडर सीक्वेंस के बाद में लीडर एक एग्जॉन है लीडर सीक्वेंस के बाद में हमें एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिलता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बाद हमें वेरिएबल सीक्वेंस मिलता है तो वेरिएबल और जो जे सीक्वेंस होते हैं ये आपस में बाइंड होते हैं इसके बाद फिर एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस मिलता है और इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस के बाद में हमको कांस्टेंट सेगमेंट मिलता है कांस्टेंट सेगमेंट पर हमें थ्री प्राइम के यहाँ पर स्टॉप सिग्नल्स मिलते हैं तो अब इस पूरी जीन रियरेंस्ड जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तब एम बनता है और ये एम आर एन ए जो होता है इसमें बहुत सारे जो है इंट्रॉन्स बहुत सारे जो इंट्रॉन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब इसमें से जो एंजाइमेटिक डाइजेशन से आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम्स होते हैं तो ये जब एंजाइमेटिक डाइजेशन करते हैं और बहुत सारे इंट्रॉन्स जब रिमूव हो जाते हैं तो एम आर बनता है और ये एम आर अब बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से तो न्यूक्लियस में बाहर आने पर ये जो एम आर होता है ये प्रोसेस्ड एम आर है।, है ना जिसमें कि इंट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं ये वो एम आर हैं अब ये एम आर जाता है राइबोसोम पर जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रहते हैं और इन राइबोसोम पे जाकर यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होता है तो जो एम का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है वो ये है कि यहाँ पर एक तो इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और इंट्रॉन्स रिमूव होकर के यहाँ पर एक पॉली एडेनइजेशन टेल लग जाती है और ये जो है इस समय न्यूक्लियस से बाहर आ गया ये एम है जो न्यूक्लियस से बाहर आ गया अब ये एम जाता है राइबोसोम पर राइबोसोम पर यहाँ पर इसका जो है नेसेंट पॉलीपेप्टाइड बनता है और यहाँ जो लीडर सिक्वेंस है इसका ये काम होता है कि ये पुश करता है इस नेसेंट पॉलीपेप्टाइड को इंटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जब ये पूरा पुश हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा चला जाता है ये तो ये लीडर सिक्वेंस रिमूव हो जाता है है ना तो इसको हम बोलते हैं कप्पा लाइट चेन अब हम बात करेंगे हेवी चेन डीएनए के रीअरेंजमेंट की तो इसमें इनिशियली जर्म लाइन में जो जीन्स होते हैं उसमें इस टाइप से हैवी चेन के वेरिएबल और कांस्टेंट जीन रीजन्स लोकेटेड होते हैं अपस्ट्रीम पे लीडर सीक्वेंस होता है फाइव प्राइमेंट पे फिर वेरिएबल रीजन्स होते हैं और हर वेरिएबल रीजन के आगे एक लीडर सीक्वेंस होता है फिर इसके बाद में एक जो डाइवर्सिटी का जीन सीक्वेंस है वो होता है डी सीक्वेंस ये वन टू थर्टीन तक होते हैं फिर जे सीक्वेंस होता है फिर फाइनली जो कांस्टेंट रीजन की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं म्यू फिर डेल्टा फिर गामा गामा भी भी थ्री फिर वन फिर टू बी और टू ए फिर एप्सिलॉन और लास्ट में अल्फा जब ये पूरा बोन मेरो के अंदर ही है यहाँ पर बोन मेरो में ही सबसे पहले अरेंजमेंट होता है जिसमें डी और जे सेगमेंट की जॉइनिंग हो जाती है ठीक है तो जब डी ओल जे सेगमेंट की ज्वाइनिंग होती है तो कुछ इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वेरिएबल अलग रहते हैं इसके बाद डी ओ जे सेगमेंट आपस में जॉइंट हो जाते हैं और बाकी कॉन्स्टेंट अलग रहते हैं जब ये प्री बी सेल मैचर होकर के लिफॉइड टिश्यूज़ में आती है है ना लिम्फ नोड्स में आती है तब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं रीअरेंज्ड हैवी चेन के डीएनए की तो ये रीअरेंजमेंट कैसा रहता है ये हमें मतलब एग्ज़ाम में लिखना चाहिए कि इसमें क्या होता है इसमें ये होता है फाइव प्राइम पर स्टार्टिंग में अप स्ट्रीम नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिस पे प्रमोटर्स होते हैं इसके बाद लीडर सीक्वेंस आता है लीडर सीक्वेंस के बाद देदा में वेरिएबल रीजन्स आते हैं और ऐसा हर एक वेरिएबल रीजन्स के पहले लीडर दे सिक्वेंस होते हैं तो इसके बाद में ये वेरिएबल रीज़न्स जो है जे रीज़न्स के साथ में बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिटी रीजन्स तो यहाँ पर हमें एक जॉइंट फॉर्म देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं वी डी जे रीज़न्स ये वी डी जे रीजन्स जो होते हैं अपस्ट्रीम होते हैं कांस्टेंट रीजन के इसके बाद हर एक कॉन्सटेंट रीजन के पहले एक प्रमोटर नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसको हम प्रमोटर रीज़न कहते हैं ये हर एक कॉन्सटेंट रीज़न के पहले देखने को मिलता है जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनता है तो प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में जितने भी कांस्टेंट रीज़न जो कि गामा एप्सिलॉन और डेल्टा है वो रिमूव हो जाते हैं क्योंकि इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन में ये हैवी चेंज की ज़रूरत नहीं होती जो एक्सप्रेशन होता है वो सी म्यू और सी डेल्टा का होता है जिससे कि बाद में जो है आई जी एम और आई जी डी बनता है इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है और इस प्राइमरी आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट में हमें फाइव प्राइम एंड पर अब स्ट्रीम में नॉन कोडिंग सिक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें प्रमोटर होता है फिर एल सिक्वेंस देखने को मिलता है जो कि लीडर सिक्वेंस है इसके बाद वी डी जे का ज्वाइंट सिक्वेंस देखने को मिलता है फिर इसके बाद में नॉन कोडिंग सिक्वेंस होता है और जिस पे एक प्रमोटर होता है और फिर न, जो सी डेल्टा है इसके आगे भी एक प्रमोटर होता है इसके बाद इसका एम बनता है ये एम जो है आफ्टर डिफरेंट मोडिफिकेशन जिसमें पॉलीडीजेशन की चेन लग जाती है और साथ में सेपरेट सेपरेशन हो जाता है कांस्टेंट uh, आईजीएम बनाने वाली म्यू चेन में और कांस्टेंट आईजीडी बनाने वाली डेल्टा चेन में यहाँ पर ये न्यूक्लियस के बाहर ये एम आ चुका होता है और अब ये फर्दर इसका ट्रांसलेशन होता है जिसमें कि ट्रांसलेशन में नेसेंट पॉलीपेप्टाइड बनता है जो कि जिसमें लीडर सीक्वेंस होता है और ये लीडर सीक्वेंस क्या करता है ट्रांसलेशन जहाँ राइबोसोम में हो रहा होता है तो इस पॉलीपेप्टाइड को पुश करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पुश हो जाता है तो दो अलग अलग हेवी चेंस बन जाती हैं एक म्यू चेन बनती है जिससे कि आई बनता है बाद में और एक डेल्टा हैवी चेन बनती है जिससे कि बाद में आई बनता है और यहाँ पर ही लीडर सिक्वेंस अलग अलग हो जाता है अलग हो जाता है सेपरेट हो जाता है तो अभी तक हमने ये समझा कि क्या जीन का रीअरेंजमेंट रहता है कैसे जीन रीअरेंज होते हैं अब ये मेकेनिज़्म समझेंगे कि जीन अरेंजमेंट कैसे होता है ये अभी हमने केवल स्ट्रक्चरल देखा कि जीन अरेंजमेंट क्या क्या है अब मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं सबसे पहले हेडिंग है हमारा मैकेनिज़्म ऑफ वेरिएबल जीन डीएनए रीअरेंजमेंट्स तो जैसे ही इस चीज़ की डिस्कवरी हुई कि जर्म सेल लाइन का जो डीएनए है उसमें जो जीन सीक्वेंसेस हैं दे आर टू क्लोजली रिलेटेड कंजर्ड सीक्वेंसेस है ना जैसे कैसे पहला तो क्लोजली कन्जर्ड सिक्वेंस हो गया आपका आ, वी जे वाला और हैवी लाइट चेन में तो वी जे जीन हो गया और ही चेन में हो गया वी डी जे तो ये जो कम्बाइन कम्बाइनेशन है ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन हमें पहले नहीं पता था लेकिन जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं तो ये बहुत इजी हो गया समझना कि आखिर ये कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं तो इसके लिए ये बताया गया कि जो डी एन हैं इनकी जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें आर एस एस फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं आर एस एस मतलब रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सिक्वेंसेस होते हैं ये कोशिश करते हैं ये करते हैं इन दो वी जीन और जे जीन को आपस में बाइंडिंग के लिए या वी जीन डी जीन और जे जीन को आपस में बाइंडिंग के लिए इन हेवी चेन है ना वी और जे इन लाइट चेन एंड वी डी जे एंड हैवी चेन तो इनके कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं वो होते हैं रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सिक्वेंसेस अब ये रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सिक्वेंसेस अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो दे आर डाउन स्ट्रीम एट थ्री प्राइम पोजिशन इन वेरिएबल रीज़न तो जो वेरीबल जीन है इसके डाउन स्ट्रीम पर होते हैं और थ्री प्राइम पोजिशन पर होते हैं ये आर एस एस फ्लैंकिंग विज़न यानी कि रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंसेस और जे जीन के अप uh, स्ट्रीम पे एट फाइव प्राइम एंड ये होते हैं इन केस ऑफ लाइट चेन है ना दोनों इन केस ऑफ लाइट चेन मतलब गामा चेन एंड कप्पा चेन अगर हेवी चेन की बात करें तो दे आर फाउंड एट डाउन स्ट्रीम एट थ्री प्राइम पोजिशन टू वी एच जीन एंड एट बोथ साइड ऑफ अप इस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ डी एच जी और एट अप इस्टीम ऑफ वी एच ऑफ जे एच जी ये आर एस एस जो है फ्लैंकिंग सिक्वेंसेस होते हैं इन फ्लैंकिंग सिक्वेंसेस की अगर क्लोज स्टडी की जाए तो इसमें ये बेसिकली इसमें क्या होता है इच आर एस एस कंटेन कंजर्ड पेलियड्रामिक हेप्टामर तो ये पेलियंड्रामिक हेप्टामर होते हैं देखो ये हेप्टामर हैं ठीक है सी ए सी ए जी टी जी तो जी टी जी तो ये जो है हेप्टामर है यानी सात अलग अलग न्यूक्लियोटाइड uh, का बना हुआ ये हेप्टामर है ये काफ़ी कंजर्व होता है तो ये अब आर एस एस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो आर एस एस मॉलिक्यूल में कंटेन uh, कंजर्ड पेलिंड्रोमिक हेप्टामर यानी कंजर्ड एटी रिच निनोमर नोनामर सॉरी नोनामर तो ये नोनामर होता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नो, यानी नोनामर नौ अलग अलग रहते हैं इसमें नाइन अलग अलग न्यूक्लियोटाइड रहते हैं इसलिए नोनामर होता है और ये एटी रिच होता है जैसे तो दो अलग अलग फ्लैंकिंग रीजन्स होते हैं आर में पहला हेप्टामर होता है दूसरा नोनामर होता है और ये पेलियड्रामिक सीक्वेंस होता है पहला वाला हेप्टामर जो है पेलिंड्रामिक सीक्वेंस होता है और इन दोनों के बीच में 12 और 23 थ्री बेस्पेयर इंटरविनिंग सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरविनिंग सीक्वेंस तो या तो ये ट्वेंटी थ्री बेस्पेयर लॉन्ग होगा और या फिर ये ट्वेल्व बेस्पेयर लॉन्ग होगा अगर ये ट्वेंटी थ्री बेस्पेयर लॉन्ग है तो इस बेसिस पर अगर हम डी एन की कल्पना करें तो हम ये देखेंगे कि इसमें लगभग टू टर्न बन सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इसको वन एंड टू टर्न्स ऑफ डीएनए हेलिक्स द एंटरपेनिंग ट्वेल्व टू ट्वेंटी थ्री बेस्पेयर सिक्वेंस करस्पॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली टू वन एंड टू टर्न ऑफ डी एन एलिक्स तो इसी रीज़न पर कि ये अगर ट्वेंटी थ्री बेस्पेयर है तो दो टर्न ले लेगा ले अगर डी एन एलिक्स में लिया तो इसको हम कहते हैं टू टर्न आर एस एस और अगर ट्वेल्व बेस्पेयर का ये आर एस एस है तो इसको हम कहते हैं वन टर्न आर एस एस ठीक है तो ये देखा गया है कि अगर हम कप्पा वेरिएबल जीन सीक्वेंस की बात करें तो कप्पा ये वेरिएबल कप्पा तो ये जो है ये रेड वाला ये आर एस एस वन टर्न स्पेसर होता है मतलब वन टर्न आर एस एस होता है ये और इसके जस्ट अपोज में जो जे होता है इस जे सिग्नल सीक्वेंस में टू टर्न स्पेसर होता है इसी opposite, मतलब के जस्ट अपोज़िट मतलब कप्पा के अपोज़िट हम अगर लेमडा वेरिएबल की बात करें तो लेमडा वेरिएबल में जो सिग्नल सिक्वेंसेस होते हैं ये टू टर्न सिक्वेंसेस होते हैं टू टर्न आर एस एस होते हैं और जो जे लेमडा है इसमें वन टर्न आर एस एस होता है तो ये तो हो गया लेमडा और कप्पा के बारे में अगर हम हैवी चेन के बारे में बात करें तो हेवी चेन में जो वेरिएबल हेवी चेन है यहाँ पर टू टर्न अ, सिग्नल सिक्वेंसेस होते हैं या टू टर्न आर होते हैं और जो डी यानी कि डायवर्सिटी जीन है इसके दोनों तरफ जो आर जीन होते हैं फ्लिंकिंग डिजन्स होते हैं ये सिंगल वन टर्न स्पेसर होते हैं स्पेसर है ना या फिर वन टर्न आर होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि हमेशा आ, मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर टू टर्न है और यहाँ पे वन टर्न है तो टू टर्न आर एस एस हमेशा वन टर्न आर एस एस के साथ ही बाइंड होता है और इट इज़ कॉल्ड रूल इसको हम रूल कहते हैं सो कॉल्ड इसको हम कहते हैं सो कॉल्ड वन टर्न टू टर्न ज्वाइनिंग रूल हमेशा वन टर्न जो रहता है वो टू टर्न के साथ ही ज्वाइंट होता है ऐसा नहीं होगा कि वन टर्न वन टर्न के साथ ज्वाइंट हो जाए या टू टर्ना टू टर्ना के साथ ज्वाइंट हो जाए ऐसा होने से ये स्पेसिफिसिटी हो जाती है कि हमेशा वेरिएबल जीन ज्वाइनिंग रीजन के साथ ही बाइंड होगा या फिर वेरिएबल डीन जीन जो होता है वो हमेशा डी डाइवर्सिटी जीन के साथ ही बाइंड होगा ऐसा ही होगा हमेशा तो ये फ्लैंकिंग रीजन जो आर एस एस हैं इसकी बाइंडिंग के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम और दूसरा एक और एंजाइम है वो है टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज है ना यानी कि टी डी टी एंजाइम ये दो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो सबसे पहले 1990 में इस एंजाइम को डिस्कवर किया गया था विद द हेल्प ऑफ किसने किया था डेविड चैड्स देन मर्जोरी ऑटिंगर एंड डेविड बाल्टीमोर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन मतलब एक ऐसे जीन को जो कि रिकॉम्बिनेस का प्रोटीन बनाता है और इस जीन का नाम इन्होंने दिया था रेग वन एंड रेग टू ऐसे दो जीन है जो हैं जो कि रिकॉम्बिनेस प्रोटीन बनाते हैं हुज इनकोडेड प्रोटीन एक्ट सिनाजिस्टिकली एंड आर रिक्वायर टू मीडिएट वी डी जे ज्वाइनिंग रेग वन एंड रेग टू प्रोटीन एंड, एंड एंजाइम टर्मिनल डी ऑक्सीन्यूक्लोटाइडल ट्रांसफर आर द ओनली लम्फॉयड स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट तो ये याद रखना है कि ये दोनों जो एंजाइम हैं ये हमेशा लम्फॉइड स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट होते हैं लिम्फॉय स्पेसिफिक प्रोडक्ट इसीलिए क्योंकि इसके अलावा कहीं और नहीं मिलते ये दैट है जॉइनिंग ऑफ वी डी जे रीजन वी डी जे री अरेंजमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है वी और जे जीन के बाइंड होने की ये दो टाइप की मैकेनिज्म है पहली मैकेनिज्म है डिलीशन ज्वाइनिंग दूसरी है इंजर्शनल ज्वाइनिंग डिलीशन ज्वाइनिंग में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इसमें रेग वन एंड रेग टू प्रोटीन्स जो होते हैं ये एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं कि ये जो रेड वन है इसको हम सिग्नल सिक्वेंस कहते हैं और ये जो पिंक वन है ये है कोडिंग सिक्वेंस तो रैग वन रैग टू जो होते हैं सिग्नल सीक्वेंस और कोडिंग सीक्वेंस के बीच में इंसर्ट होते हैं और आ, जो है क्लीवेज करते हैं तो जब क्लीवेज होता है तो आ, जो हाइड्रोक्सिल रीजन है वो ओपन होता है और हाइड्रोक्सिल रीजन क्योंकि ये हेयर पिन स्ट्रक्चर की कटिंग हो गई तो हाइड्रोक्सिल रीजन ओपन हो जाता है किसका न्यूक्लियोटाइड का और अब यहाँ पर जो ओपन एंड है हाइड्रोक्सी रिजन का वहाँ पे दूसरा एंजाइम वर्क करता है उसका नाम है टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज ठीक है जो कि एक डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का कर ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर लगभग 15 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसकी बाइंडिंग होती है और ये होती है इन केस ऑफ हेवी चेन में मतलब रेगवन रेग टू वाला जो मेथड आपको बताया मैंने ऊपर ये तो लाइट चेन का मेथड हो गया लेकिन हैवी चेन में स्पेशली एक चीज़ और होती है और वो होती है वी डी जी जे की ज्वाइनिंग तो इस ये जो कोडिंग सिक्वेंस है इनकी ज्वाइनिंग के लिए हमें फिफ्टीन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके एडिशन की जरूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ वो होता है विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्टाइड ट्रांसफरीस न्यूक्लियोटाइडाइड ट्रांसफरीस फिर फाइनली रिपेयर और लाइगेशन जो होता है ऑफ़ कोडिंग सीक्वेंसेस वो होता है विद द हेल्प ऑफ केटेलाइज्ड बाय तो ये इसका केटल कौन करता है केटलाइज्ड बाय एंजाइम नॉर्मल डबल स्ट्रेंड ब्रेक रिपेयर यानी डी एस बी आर तो डी एस बी आर से फाइनली जो होती है यहाँ पे आ, जो है रिपेयरिंग हो जाती है और कोडिंग सीक्सिस की जॉइनिंग हो जाती है तो ये एक ऑप्शनल एडिशन है हेवी चेन में जो कि एन न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होना विद द हेल्प ऑफ डीडीटी और रिपेयर और लाइगेशन होना रिपेयर और लाइगेशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस होना विद द हेल्प ऑफ डी ये ऑप्शनल है इन केस ऑफ हेवी चेन बाक़ी जो रेग वन और रेग टू प्रोटीन से जो हेयर पिन फॉर्मेशन और रैंडम uh, क्लीवेज uh, और uh, होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ रेगवन एंड रेगटू प्रोटीन इन लाइट चेन तो ये दो अलग अलग मैकेनिज़्म है अगर आप एग्ज़ाम में ये डायग्राम भी बनाते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड तो ये जो जंक्शनल डाइवर्सिटी है कि जो वी जिन डी जीन और जे जी जीन आपस में बाइंड होते हैं या वी जीन और जे जी जीन आपस में बाइंड होते हैं तो ये जंक्शनल डाइवर्सिटी क्रिएट होती है कैसे क्रिएट होती है जैसे मैंने आपको बताया कि कटिंग ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड तो इनको हम कहते हैं फॉर एडिशन ऑफ पी रीजन न्यूक्लियोटाइड या फिर एडिशन ऑफ एम रीजन न्यूक्लियोटाइड तो एम रीजन और पी रीजन न्यूक्लियोटाइड की कटिंग होना और जॉइनिंग होने से जो एंटीज एंटीबॉडी में हाइपर वेरिएबिलिटी आती है और जो जंक्शनल वेरिएशन आता है वो देखने को मिलता है तो इसीलिए ये आर एस एस मोलिक्यूल का यहाँ पर बाइंडिंग uh, होना और जॉइनिंग फैक्स होना और पी रीज़न और एन रीज़न न्यूक्लियोटाइड बनना ये हाइपर वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है so, आप यहाँ देखेंगे एक फिगर में कि दो टाइप के वी uh, के और जे के यानी वेरिएबल कप्पा जीन और ज्वाइनिंग कप्पा जीन्स आपस में जब बाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ आर एस एस तो इसमें आप फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे कि पांच अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसमें से यहाँ पर इनने बताया है कि थ्री कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट है जबकि नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट भी बन सकता है जिसमें लास्ट में स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं तो ये एक नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट हो जाता है ठीक है तो ऐसा होता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड कट हो तो एक अलग बनेगा रीअरेंजमेंट तीन न्यूक्लियोटाइड कट हो जाए तो अलग बनेगा चार न्यूक्लियोटाइड कट हो जाए अलग बनेगा है ना ये यहाँ पे इन्ह बताया कि पांच न्यूक्लियोटाइड एक साथ कट हो गए तो ऐसे अलग अलग कटिंग होने पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसमें कुछ जीन प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं और कुछ जो होते हैं वो नॉन प्रोडक्टिव होते हैं तो जितने भी रीअरेंजमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं पहला या तो प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट होगा या फिर नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट होगा तो ऐसा है कि प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट में तो नॉर्मली एंटीबॉडी बनता ही है तो नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट में क्या होता है दो चीज़ें होती हैं नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट में या तो यह है कि बी सेल में जो बी सेल है वो नॉन प्रोडक्टिव होने पर भी दे आर स्टिल एबल टू रीअरेंज द अदर एलील प्रोडक्टिवली तो वन एलील तो अगर रीअरेंज नॉन प्रोडक्टिवली हो गया तो भी दूसरे जो एलियंस होते हैं बी सेल कैन रीअरेंज और उसको प्रोडक्टिव बना लेते हैं या फिर दूसरा ये होता है कि दोज बी सेल डाय बाय अपोप्टोस ऐसे दो मैकेनिज़्म हो जाती हैं तो ये देखा गया है कि आउट ऑफ थ्री वन एलेिक रीअरेंजमेंट जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है इन वी जे ज्वाइनिंग एंड वन आउट ऑफ थ्री सब्सिक्वेंट अटेम्प इन वी डी जे ज्वाइनिंग जो हैवी चेन की ज्वाइनिंग है उसमें वन जो होता है सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव होता है रीअरेंजमेंट तो ऐसा देखा गया है कि आउट ऑफ लेस देन वन एस टू नाइन यानी इलेवन परसेंट अर्ली स्टेज प्री बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मेरो में मेचोर uh, हो पाते हैं और बोन मेरो से निकल के बाहर इम्यूनो कॉम्पिटेंट बी सेल में कन्वर्ट हो पाते हैं ओनली एलेवन परसेंट ऐसे हैं जिनमें प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट हो पाता है और वो बोन मेरो को लीव कर पाते हैं तो ये हमने देखा कि दो टाइप के अरेंजमेंट हो गए प्रोडक्टिव अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट और नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट में जो एलिक कॉम्बिनेशन है वो इस टाइप का बनता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके लिए यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड में और प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है जिसके कारण जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका जनरेशन नहीं हो पाता इसी में एक टर्म आता है एलिलिक एक्सक्लूज़न तो एलिलिक एक्सक्लूज़न मतलब क्या होता है कि जैसे हम जानते हैं कि बी सेल है और बी सेल में क्या है डिप्लॉयड सेल होती है ये नॉर्मली जितनी भी सोमेटिक सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं बी सेल भी एक सोमेटिक सेल है और डिप्लॉयड सेल है इसमें पेरेंटल दोनों मतलब मेटर्नल और पैटर्नल दोनों के ही क्रोमोसोम्स होते हैं तो ये देखा गया है कि एलिक एक्सक्लूज़न का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक एलील एक्सप्रेस हो गया है तो वो दूसरे एलील को इनहिबिट कर देता है इट इज़ कॉल्ड एलिक एक्सक्लूजन मतलब जैसे जीन रीअरेंजमेंट होता है किसी बी सेल के अंदर तो यहाँ पर यह होगा कि या तो पैटर्नल या मेटरनल किसी एक के जीन रीअरेंज हो रहे हैं तो जैसे मान लीजिए हेवी चेन है हेवी चेन अगर मेटरनल है लाइट चेन भी मेटरनल हो सकती है हेवी चेन जो है अगर पेटर्नल है लाइट चेन भी पेटर्नल हो सकती है हेवी चेन अगर मेटरनल uh, है तो लाइट चेन पेटर्नल भी हो सकती है तो अलग अलग टाइप के जीन कॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन इसमें यह होता है कि अगर हेवी चेन मेटर्नल हो गई तो जो पैटर्नल वाली हैवी चेन है उसका एल एलिक एक्सक्लूज़न हो जाएगा बात समझे मतलब अगर हेवी चेन मेटर्नल साइट की भी है और हेवी चेन जो है पैटर्नल साइट की भी है अगर कोई एक हेवी चेन का एक्सप्रेशन हो गया एक चेन का हेवी चेन का जो है रीअरेंजमेंट हो गया तो दूसरी हेवी चेन अगर पैटर्नल साइट की है तो वो उसका जो एक्सक्लूजन हो जाएगा उसका इनिबिशन हो जाएगा वो वर्क नहीं करेगी और इस टाइप का जो एलिलिक एक्सक्लूज़न है वो सिर्फ और सिर्फ बी सेल और टी सेल में ही देखने को मिलता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिलिक एक्सक्लूजन फिनिना इज ऑलवेज टू बी सीन इन केस ऑफ बी सेल एंड टी सेल तो इसको यहाँ स्टडी करते हैं कि एक्चुअली द बी सेल इज़् डिप्लॉइड सेल इट एक्सप्रेसिज द चेन जीन फ्रॉम ओनली वन क्रोमोसोम एंड द री अरेंज लाइट चेन जीन फ्राम ओनली वन क्रोमोसोम तो एलिल दो होते हैं अलग अलग तो एक एलिल एक क्रोमोसोम पे होता है दूसरा एलिल दूसरे क्रोमोसोम पर होता है एक पेटर्नल एलिल होता है एक मेटर्नल एलिल होता है तो कोई एक एलिल एक्सप्रेस होता है द प्रोसेस बाय विच दिस इज ए कम्प्रीज कॉल्ड एज एलिल एक्सक्लूजन तो इसको हम यहाँ पर एक डाइग्रामेटिक रिप्रजेंटेशन से समझ सकते हैं कि जो प्रोजेनेटर बी सेल है सबसे पहले हेवी चेन का रीअरेंजमेंट होता है जैसे हमको पता है तो डी और जे चेन का रीअरेंजमेंट होगा डी और जे का जीन का रीअरेंजमेंट होगा उससे बना ये सेल अब ये सेल दो में कन्वर्ट होगा या तो ये प्रोडक्टिव अरेंजमेंट करेगा या फिर नॉन प्रोडक्टिव अरेंजमेंट करेगा अगर प्रोडक्टिव अरेंजमेंट करा तो हेवी चेन में देखिए अब आप यहाँ पे वेरिएबल hmm, रीज़न जुड़ गया तो अब यहाँ हैवी चेन में वेरिएबल रीज़न का रिकॉम्बिनेशन हो गया या रीअरेंजमेंट हो गया तो हैवी चेन का यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट हो गया तो ये रीअरेंजमेंट ऐसा रहा जो कि नॉन प्रोडक्टिव रहा फिर भी इस सेल को एक चांस मिलेगा कि ये प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट कर सके तो इसमें पहला जो एलिल था मेटरनल वाला सपोज अगर उस के कारण रीअरेंजमेंट नॉन प्रोडक्टिव हो गया तो जो पेटर्नल साइट का एलिन रहेगा वो रीअरेंज होगा आपस में और वो कन्वर्ट होगा वापस से प्रोडक्टिव एलिन में सपोज कीजिए अगर पेटर्नल साइट का भी रीअरेंज हुआ और नॉन प्रोडक्टिव बना तो ऐसी बी सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा डेथ हो जाएगी ठीक है अब वापस से आते हैं आ, हेवी चेन का रीअरेंजमेंट हो गया इस लेवल पे हेवी चेन का रीअरेंजमेंट होने से हमें ये क्लियर हो गया कि आई जी एम बनेगा क्योंकि म्यू चेन बन गई है है ना म्यू चेन बन गई है अब ये म्यू चेन आगे जाएगी म्यू चेन क्या करेगी म्यू चेन हैवी चेन इनिबिट कर देगी आ, दूसरी जो हैवी चेन्स होती हैं म्यू चेन इनिबिट अरेंजमेंट ऑफ म्यू एल ठीक है अब जैसे म्यू चेन एक जगह बन गई तो ये मान लो अगर मेटरनल साइट की है तो ये म्यू चेन पैटर्नल साइट के म्यू चेन को इनिबिट कर देगी इसको हम कहते हैं एल एक्सक्लूज़न तो म्यू चेन बन गई अब लाइट चेन का रीअरेंजमेंट शुरू होता है तो लाइट चेन के रीअरेंजमेंट में वी और जे का ज्वाइनिंग होगा अब इसके भी दो प्रोडक्ट बनेंगे या तो म्यू के साथ कप्पा जुड़ जाएगा कप्पा एक लाइट चेन है म्यू हैवी चेन है है ना लाइट और हेवी चेन आपस में जुड़ जाएंगे तो इससे एक हमारा एंटीबॉडी बन गया है यहाँ पे आईजी और या फिर ये होगा कि ये जो एलिलिक रीअरेंजमेंट है ये जीन रीअरेंजमेंट ये ऐसा रहा जो नॉन प्रोडक्टिव रहा मान लो पेटर्नल साइड का नॉन प्रोडक्टिव रहा तो मेटरनल साइड का जीन रीअरेंजमेंट शुरू हो जाएगा है ना इसके भी दो चांसेस बनते हैं मेटरनल साइड का जीन रीअरेंजमेंट मान लीजिए प्रोडक्टिव रहा तो प्रोडक्टिव रहा तो जो कप्पा है वो म्यू कप्पा से वापस से एंटीबॉडी एक्सप्रेस हो गया और मान लो पैटर्नल साइड का भी जीन अरेंजमेंट जो है नॉन प्रोडक्टिव रहा तो ये नॉन प्रोडक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो ये जो म्यू कप्पा है ये म्यू तो क्या करेगा म्यू जो है आ, म्यू के दूसरे लिल को इनिबिट करेगा वो हमने यहाँ देख लिया म्यू हो गया अब कप्पा है कप्पा क्या करेगा कप्पा मान लो अगर मेटर्नल साइट का एलिल से एक्सप्रेस हुआ था ये तो जब ये क्या करेगा पेटर्नल साइट के एलिल को इनहिबिट कर देगा तो ये हो गया एल के एक्सक्लूजन तो कप्पा एक क्या है कप्पा एक लाइट चेन है है ना अभी हमने हेवी चेन पढ़ ली हेवी चेन का रीअरेंजमेंट अब यहाँ से लाइट चेन का रीअरेंजमेंट तो एक कप्पा चेन अगर बन गई तो ये क्या करेगा जो गामा लाइट चेन थी उसके रीअरेंजमेंट को रोक देगा है ना तो म्यू कप्पा चेन इनिबिट गामा रीअरेंजमेंट ये गामा रीअरेंजमेंट को रोक देगी तो ऐसा होता है कि म्यू चेन बचा हुआ डेल्टा एप्सिलॉन सभी चेन्स की रीअरेंजमेंट को भी रोक देता है ये भी एक एल के एक्सक्लूज़न है कप्पा चेन हमेशा कप्पा और गामा के एल के एक्सक्लूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कप्पा जो होता है वो दूसरे एलिल जो पेरेंटल साइड के मतलब मेटर्नल से अगर ये बन गया तो पेटर्नल साइड के कप्पा को इनिबिट कर देगा तो ओवरऑल ये बन गया तो इससे एंटीबॉडी एक्सप्रेस हो गई अब मान लो अगर ये नॉन प्रोडक्टिव रीअरेंजमेंट रहा लाइट चेन का तो नॉन प्रोडक्टिव को फिर एक चांस मिलता है मान लो अगर ये मेटरनल साइड से रहा तो पेटर्नल साइड वाले को एक चांस मिलता है पेटर्नल साइड से अगर प्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेशन हो गया रीअरेंजमेंट रि, हो गया तो बहुत अच्छी बात है पैटर्नल साइड से मान लो अगर गामा चेन बनती है तो ये गामा चेन क्या करेगा uh, गामा जो दूसरा एलिल था उसके एक्सप्रेशन को एक्सक्लूड कर देगा और गामा कप्पा को भी एक्सक्लूड कर देगा अगर इसका वापस से नेगेटिव रीअरेंजमेंट रहा तो फिर इसको एक चांस मिलेगा अगर बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव रहा तो इसका एपोप्टोसिस हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलेलिक एक्सक्लूज़न तो ये जीन रीअरेंजमेंट जो होता है हमने देखा आ, इससे होता ये है कि बी सेल का या तो एपोप्टोसिस हो जाता है और या फिर होता ये है कि बी सेल का जो है आ, उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्टिव फॉर्मेशन होता है और जो अदर एंटीबॉडीज़ हैं उसका एल एक्सक्लूज़न हो जाता है इवन लाइट चेन और हेवी चेन भी अगर है तो दूसरी जो एल है जिससे एक्सप्रेस होना होता है उससे भी एल एल हो जाता है तो इस फिनोमिना को एक हाइप मतलब सबसे पहले एक इसको सबसे पहले इस मॉडल को प्रपोज किया था इस मॉडल को सबसे पहले प्रपोज किया था जी डी पोलस ने एंड एफ़ एम अल्ट ने जी डी पोलस एंड एफ एम अल्ट इन्होंने सबसे पहले इस मॉडल को एलिक एक्सक्लूजन के मॉडल को प्रपोज़ किया था नाउ नेक्स्ट रेडिंग है जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी तो पहले एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट होने के लिए जो दो अलग अलग थ्योरी दी थी पहली थी जर्मलाइन थ्योरी और दूसरी हमने आपको जो बताई थी आ, वो थी सोमेटिक सेल सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी ठीक है सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी तो इन दोनों थ्योरी में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जर्मसल थ्योरी ये कहलाती है जिसमें नंबर ऑफ जीन रिगार्डिंग इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा होते हैं और जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन को इनकोड करते हैं जबकि सोमेटिक वेरिएशन थ्योरी में ये बताया था मैंने कि नंबर ऑफ जीन तो बहुत कम होते हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ़ म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होने के कारण एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी बनती है तो अभी तक दोनों ही थ्योरी जो है गलत नहीं साबित हुई है दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह सही है और इसमें ह्यूमन और माइस में जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें ये पता चला है कि इसमें डिफरेंट टाइप के सेवन टाइप के रिकॉम्बिनेशन uh, पैटर्न्स और दोनों थ्योरीज वर्क करती है जिसके कारण जो होता है डाइवर्सिटी आती है तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंटीबॉडी डाइवर्सिटी किस रीज़न से आती है तो आपको बताना है इन सेवन पॉइंट्स के बारे में पहला है मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट्स दूसरा है कॉम्बिनेटोरियल वी डी जे ज्वाइनिंग तीसरा है जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा है पी रीजन न्यूक्लियोटाइड एडिशन एन रीजन न्यूक्लियोटाइड एडिशन सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन कॉम्बिनेटोरियल कॉम्बिनेटोरियल एसोसिएशन ऑफ लाइट एंड हैवी चेंस तो ये सेवन रीजनस हैं जिसके कारण एंटीबॉडी डाइवर्सिटी आती है मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट तो बहुत सारे जर्म लाइन में जो जीन सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में बाइंड होते हैं और डायवर्सिटी क्रिएट करते हैं दूसरा कॉमेंटरील वी डी जे जॉइनिंग ये हमने अभी पढ़ा है सोमेटिक कॉम्बिनेशन में जंक्शनल फ्लैक्सीबिलिटी अलग अलग जंक्शन में अलग अलग फ्लैक्सीबिलिटी होती है पी और एन रीजन न्यूक्अ रेडियशन भी हमने जो है अभी पढ़ा है रैग वन और रैग टू एंजाइम्स की स्टडी में सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन अब हम पढ़ेंगे आगे कॉम्बिनेटोरियल एसोसिएशन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन तो डिफरेंट लाइट और हैवी चेन्स का जो एल एलिक एक्सक्लूजन है उसके होने के कारण भी जो होता है वेरिएशन आता है तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंने आपको बताया मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट तो मल्टीपल जर्मोलाइन जीन सेगमेंट में क्या होता है देर आर न्यूमेरस जर्मोलाइन वी वी भी बहुत सारे होते हैं मैंने आपको बताया डी भी बहुत सारे होते हैं जे भी बहुत सारे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन की बात करें तो फिफ्टी वन वी हैवी चेंस होती हैं ट्वेंटी फाइव डी चेंस होती हैं सिक्स जे चैनस होती हैं है ना फोर्टी वेरिएबल कप्पा जीन्स होते हैं फाइफ जॉइंट वाले कप्पा जीन्स होते हैं थर्टी वन वेरिएबल गामा जीन्स होते हैं फोर गा जॉइंट के जीन्स होते हैं तो अल्टीमेटली इन सभी के सेगमेंटेशन इतने ज़्यादा होते हैं कि जब इनका सेगमेंट्स uh, का अरेंजमेंट होता है और इसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं भले अरेंजमेंट नहीं भी होता इसमें एक्चुअल में क्या है जन्म लाइन की थ्योरी में अरेंजमेंट नहीं होता हाँ ये याद रखना तो इनमें क्या होता है बहुत सारे बीच बीच में जे चेंस जो होती हैं वो सीडो जीन्स भी होते हैं जिससे हमने पहले भी आपको बताया था जिसको फाइव से हम डिनोट करते हैं तो ये uh, जो कोडॉन्स हैं ये एग्जॉन है और इनके बीच बीच में जो इंट्रॉन्स होते हैं ना जब वो रिमूव हो जाते हैं तब नए नए सेगमेंट बनते हैं तो इसको हम कहते हैं इससे भी डाइवर्सिटी होती है दूसरी टेक्निक जो है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी की वो है कॉम्बिनेटोरियल वी जे वी डी जे ज्वाइनिंग जनरेट डाइवर्सिटी इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनते हैं देखो पहले वाले में हमने ये पढ़ा था कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं पर इनके बीच बीच में इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और ये आपस में फिर जुड़ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं जर्मलाइन थ्योरी लेकिन इसमें क्या है अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं इसलिए ये एग्ज़ाम्पल यहाँ दिया है कि भले ही फ़िफ्टी वन वेरिएबल हैवी जीन्स हों ट्वेंटी सेवन डी जीन्स हों सिक्स जो हैं वो जे एच जीन्स हों तो इन सभी का जो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन होगा वो लगभग 8,262 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो हमने जर्म लाइन में कॉम्बिनेशंस नहीं पढ़े हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े सोमेटिक सेल थ्योरी में सोमेटिक सेल म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन थ्योरी में तो ये दूसरा मेथड हो गया तीसरा होता है जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एड्स डाइवर्सिटी इसमें क्या होता है कि जो जीन कॉम्बिनेशनस हैं वो तो हो गए लेकिन उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है अगर वो मोर फ्लेक्सिबल हैं तो उनका वापस से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है और इसको हम कहते हैं जंक्शनल uh, फ्लेक्सिबिलिटी तो डिस्क्राइब्ड uh, एज कि जितने भी रिकॉम्बिनेशनस होते हैं उसमें जो सिग्नल सिक्वेंसेस हैं uh, वो बेसिकली कोडिंग सिक्वेंसेस हैं तो ये कोडिंग सिक्वेंसेस हमेशा uh, एक आ, मतलब इनमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है वो उतनी जल्दी दूसरे के साथ बाइंड हो जाता है ठीक है जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये जो आ, र, रेग वन और रेग टू एंजाइम से जो आ, एकस, जो वो कटिंग होती है उसको आप एज एग्ज़ाम्पल ले सकते हो कि केवल एक ये जीन सेगमेंट है एक ये जीन सेगमेंट है और ये दोनों जगह फ्लैंकिंग हैं, ये फ्लैंकिंग रीज़न्स आपस में इस टाइप से बाइंड होते हैं कि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो इसको हम कहते हैं जंक्शनल फ्लैक्सीबिलिटी जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस इसमें बनते हुए आपको दिख रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट होता है पी एडिशन तो पी एडिशन से भी डाइवर्सिटी होती है पी एडिशन से डाइवर्सिटी कैसे होती है इसको हम यहाँ समझेंगे एज ए इन फिगर सबसे पहले जे और डी को आपस में बाइंड होना होता है तो यहाँ पे आ, जो हमने आपको बताया था आर डबल एस आर डबल एस सेगमेंट्स होते हैं जो कि सिग्नल सिक्वेंसेस हैं ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का क्लीवेज होता है विथ रेग वन एंड रेग टू एंजाइम्स और बाद में एंजाइम का रिपेयर हो जाता है रिपेयर विद द एंजाइम्स और फर्दर इसमें एंजाइम एडिशन हो जाता है तो ये इसको कहते हैं हम पी न्यूक्लियोटाइड एडिशन और अब जो नेक्स्ट मेथड है डायवर्सिटी की वो है एन एडिशन एड्स कंसिडरेबली डाइवर्सिटी बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो इसमें नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं इसको भी हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो हमारे सिग्नल सिक्वेंसेस हैं ये डी और जे तो कोडिंग सिक्वेंस हो गए और ये डी और जे के पास में जो आर एस एस हैं ये सिग्नल सिक्वेंसेस हो गए ये सिग्नल सिक्वेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ पहले तो रेग वन रेग टू एंजाइम से ब्रेकेज हो जाएगा इनका इसके बाद में इसमें टी डी टी जो एंजाइम होता है टी डी टी एंजाइम यानी कि टर्मिनल डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइडाइल ट्रांसफरेज ये एंजाइम क्या करता है एडिशन करता है न्यूक्लियोटाइड का ये न्यूक्लियोटाइड लगभग मैक्सिमम 15 न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है तो हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करे या दो न्यूक्लियोटाइड ऐड करे या तीन न्यूक्लियोटाइड ऐड करे ऐसे करके फिफ्टीन अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है जिसके कारण कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग और डाइवर्सिटी होती है एंटीबॉडीज़ की इसके बाद जो सिक्स नंबर की डाइवर्सिटी होती है वो होती है सोमेटिक हाइपर न्यूट्रेशन के कारण सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन एड्स डाइवर्सिटी इन ऑलरेडी अरेंजड जीन सेगमेंट्स तो ये कैसे होता है अभी जितने भी हमने डाइवर्सिटी के लिए जो रीज़न्स थे वो पढ़े इसमें जो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन है इसमें क्या होता है कि हाइपर म्यूटेशन म्यूटेशन से समझ में आता है कि जो न्यूक्लियोटाइड लेवल पर जो चेंज होता है रिप्लेस होता है विथ अल्टरनेटिव उसको हम कहते हैं हाइपर म्यूटेशन तो ये हाइपर म्यूटेशन हमको न्यूक्लोटाइड इन वेरिएबल रीज़न और हेवी चेन के भी जो वेरिएबल, स्पेशली वेरिएबल रीज़न में देखने को मिलता है ठीक है तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड इन द वी जे और वी वी डी जे यानी कि लाइट चेन और हेवी चेन सॉरी वेरिएबल रीज़न ऑफ लाइट चेन और वेरिएबल रीज़न ऑफ हेवी चेन में देखने को मिलता है यूनिट्स आर रिप्लेसड विद अल्टर दस पोटेंशली अल्टर इन द स्पेसिटी ऑफ एनकोडेड इम्यूनोग और ये कहाँ देखने को मिलता है स्पेशली सोमेटिक हाइपर मूटेशन अकस विद इन जर्मिनल सेंटर तो आप जर्मिनल सेंटर जानते हो जब जो बी सेल होती है वो लिम्फ नोट्स में आ जाती है तो लिम्फ नोट्स में डिफरेंट डिफरेंट जर्मिनल सेंटर्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन तब देखने को मिलता है जब विदिन ए वीक कोई एंटीजन आया हो या हमने इम्यूनाइजेशन किया हो वैक्सीनेशन किया हो तो विद इन ए वीक क्या होता है टी सेल एक्टिवेशन होता है तो एक्टिवेटेड टी सेल बी सेल के रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है एक्टिवेटेड टी सेल बी सेल के रिस्पॉन्स को चेंज कर देता है और ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है कहाँ चेंज होता है ये स्पेशली वेरिएबल रीज़न में चेंज आता है तो देर इज़ रीअरेंजमेंट ऑफ वेरिएबल रीज़न विद इन द डी एन ए सिक्वेंस लोकेटेड इन वेरिएबल रीज़न तो वेरिएबल रीज़न लगभग फिफ्टीन हंड्रेड का होता है जिसमें हमारे वेरिएबल रीज़न भी आ गए उसके बाद ज्वाइनिंग चेन भी आ गई तो लाइट चेन की अगर हम बात करें तो वीजे रीज़न और हेवी चेन में अगर हम वेरिएबल रीज़न की बात करें तो वी जे रीज़न इनमें सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन देखने को मिलता है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली टेंटू दि पावर माइनस थ्री पर पेयर पर जनरेशन सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन कितना होता है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है टेंटू दि पावर माइनस थ्री पर पेयर पर जनरेशन और ये जो इसको हम केवल म्यूटेशन क्यों नहीं कहते है? इसको हाइपर म्यूटेशन क्यों कहते हैं क्योंकि दिस रेट इज़ एट लीस्ट ए हंड्रेड थाउजेंड फोल्ड्स हायर है ना मतलब हंड्रेड थाउजेंड फोल्ड्स हायर तो हंड्रेड थाउजेंड फोल्ड्स हायर या तो हंड्रेड फोल्ड या थाउजेंड फोल्ड ज़्यादा होता है नॉर्मल से भी हंड्रेड फोल्ड्स या थाउजेंड इसलिए हम इसको हाइपर म्यूटेशन कहते हैं तो नॉर्मल अगर हम इस्पॉन्टेस म्यूटेशन देखें तो वो होता है टू द पावर माइनस एट पर पेयर पर जनरेशन लेकिन इससे भी ज़्यादा हाइपर म्यूटेशन हमको देखने को मिलता है हंड्रेड 100 से थाउजेंड फोर्स हायर और हम ये जानते हैं कि जो हेवी चेन होती है और जो लाइट चेन होती है उसमें सिक्स हंड्रेड पेयर्स के आसपास कॉम्बिनेशन uh, बनते हैं सिंस द कम्बाइंड लेंथ

और बहुत सारे जो बेस पेयर्स होते हैं लगभग सिक्स हंड्रेड पेयर्स होते हैं उनमें म्यूटेशन देखने को मिलता है वेरिएबल रीज़न यहाँ पर दिखाया है कि लगभग 1500 फिफ्टीन हंड्रेड होते हैं और बेस बेस्पेयर बेस सिक्स हंड्रेड हो गए मतलब छः छि बारह तो अपन यही लिख के चलें मान के चलें कि लगभग फिफ्टीन हंड्रेड जो होते हैं उनमें चेंज होने की संभावना रहती है नॉर्मल जो म्यूटेशन होता है वो टेन टू द पावर माइनस एट पर बेसपेयर पर जनरेशन होता है लेकिन जब हम हाइपर म्यूटेशन की बात करते हैं तो वो हंड्रेड 100 से थाउजेंड फोल्स और हायर होता है ठीक है तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टेन टू द पावर माइनस थ्री पर बेसपेयर हो जाती है तो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन्स जनरली एडिशन ही होता है हमेशा इंजर्शन होता है आ, द मेकनिज्मिकाइपर म्यूटेशन हैज़ नॉट बिन डिटरमाइंड मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन रेदर दैन डिलीशन और एन्जर्शन तो हमेशा न्यूक्टाइड का सब्सटीट्यूशन ही होता है मतलब कोई एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है और दूसरा जो होता है वो हट जाता है ऐसा नहीं होता कि डिलीशन हो रहा हो या एनजर्शन हो रहा हो तो सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन में हमेशा न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन होता है सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन जो होता है आ, सर्टेन न्यूक्लियोटाइड मोटिव एंड पेलेंड्रोमिक सिक्वेंसेस विद इन वेरिएबल हैवी चेन और वेरिएबल लाइट चेन में देखने को मिलता है और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन जनरली आप देख रहे हैं जर्मनल सेंटर में मिलता है मतलब ये है कि जैसे ही एंटीजन एनकाउंटर होता है बी सेल के जो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसीशन होते हैं सी डी आर मार्कर्स होते हैं ऑफ वेरिएबल हैवी चेन एंड वेरिएबल लाइट चेन सिक्वेंस के मोस्टली दे आर चेंजिंग बट इन मेचर बी सेल दे आर क्लस्टर्ड विद इन द सी डी आर ऑफ वी हैवी एंड वी लाइट सिक्वेंसेस वेयर आर द मोस्ट ऑफ लाइटली टू इंफ्लुएंस द ओवरऑल इफिनिटी ऑफ द एंटीजन तो जितना हाइपर म्यूटेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के अकॉर्डिंग होता है जिससे इफिनिटी रखनी है तो इसके कारण बी सेल हैविंग हाई इफिनिटी रिसेप्टार या फिर हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज और वो ही सर्वाइव कर पाते हैं एंड रेस्ट ऑफ द जो बी सेल होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसी को हम कहते हैं एफिनिटी मैचुरेशन जो कि हमेशा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में देखने को मिलती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एफिनिटी मैचुरेशन दैट इज़ टेक्स प्लेस इन द जर्मिनल सेंटर और इसमें जो ऐसे बी सेल्स हैं जिसकी पुअर एफिनिटी है टू द बाइंडिंग विद द एंटीजन तो उनका डिलीशन हो जाता है या फिर उनका एपोप्टोस हो जाता है ना लास्ट वन है एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो होता हैवी एंड लाइट चेन का कॉम्बिनेशन तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ह्यूमन में देखें तो हम ऐट थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी टू हैवी चेन जीन्स होते हैं कॉम्बिनेशन में इसके बाद थ्री हंड्रेड ट्वेंटी लाइट चें कपा और गामा चेंज होती हैं कॉम्बिनेशन में और इनका भी आपस में जो रीअरेंजमेंट होता है जिसके कारण लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख मतलब छब्बीस लाख चौवालीस हज़ार दो सौ चालीस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ठीक है यानी कि इतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन होता है आ, इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ अब फाइनली एंटीबॉडीज़ तो बन गई पर अब एंटीबॉडीज़ का क्या होता है फर्दर क्लास स्विचिंग होता है तो नॉर्मली जो एंटीबॉडी बनती है वो हम जानते हैं स्टार्टिंग में आई बनती है और आई बनती है लेकिन आई और आई का रिस्पांस ज़्यादा टाइम नहीं रहता और जैसे बीस इक्कीस दिन के बाद में आई अगर वर्क नहीं कर पा रही है तो उसकी जगह कंटिन्यूस एंटीजन अगर एक्सपोज़र हो रहा है या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है तो हमें पता है कि जो आई होता है वो फर्दर स्विच करता है टू आई है ना आई जी जी वन आई जी जी टू तो ये जो स्विचिंग होती है या फिर आई जी ई बनता है मान लो अगर बहुत ज़्यादा एलर्जन है एलर्जी कॉज कर रहा है तो आई जी ई तो ये जो क्लास स्विचिंग है इसको हम क्लास स्विचिंग कहते हैं आई जी एम से शिफ्ट होकर क्योंकि प्राइमरी हमारी जो एंटीबॉडी बनती है वो हमेशा आई जी एम बनती है और आई जी डी बनती है जैसा हमने अभी तक देखा है तो क्या होता है क्लास स्विचिंग हमेशा कांस्टेंट रीज़न में होता है जो कांस्टेंट रीज़न के जो जीन्स हैं उसमें होता है तो बी सेल में हमें पता है कि जो कांस्टेंट रीज़न है वो सी एच रीज़न है क्योंकि जो वेरिएबल रीज़न है वो होता है वी डी जे रीज़न जैसा कि हमने हेवी चेन में आपने देखा तो हेवी चेन में हेवी चेन किसकी बनी होती है वेरिएबल रीज़न एंड कांस्टेंट रीजन की कांस्टेंट रीजन में जब स्विचिंग होती है फ्रॉम वन पॉलीपेप्टाइड टू अनदर पॉलीपेप्टाइड तो हम इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग या इसको हम कहते हैं आइसो टाइप स्विचिंग और ये कब होता है जब डीएनए फ्लैंकिंग सीक्वेंस यानी कि स्विच रीज़न मतलब इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व है तीन चीज़ों को समझना ज़रूरी है पहली चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है स्विच रीज़न दूसरा इन्वॉल्व होता है इसमें रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेज और तीसरा इसमें इन्वॉल्व होता है स्पेशली इंटरलिकिन फोर या साइटोकाइंस साइटोकाइंस फॉर एग्जांपल इंटरलिकिन फोर जब ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती है तब क्लास स्विचिंग होता है सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच रीज़न की स्विच रीज़न टू टू थ्री बेस पेयर से लेकर के टू टू टेन बेस पेयर तक होता है और ये स्विच रीज़न अपस्ट्रीम होता है हर आ, जीन सीक्वेंस के आगे है ना हर किसी जीन सीक्वेंस के आगे जो कि कांस्टेंट रीज़न है ना जैसे कॉन्सटेंट यहाँ से देखें ये कांस्टेंट रीज़न है म्यू जो कि आईजीएम की हेवी चेन को बनाएगा इसके भी आगे आप देखेंगे तो स्विच रीजन है म्यू के लिए एक्सेप्ट ये ध्यान रखना है कॉन्सटेंट रीज़न जो डेल्टा है यानी कि आई जी डी जो बनाता है इसका हेवी चेन जो बनाता है हेवी चेन का जो कॉन्सटेंट रीज़न बनाता है उसके आगे स्विच रीज़न नहीं होता है ये एक एक्सेप्शन है और ये याद रखना है अदरवाइज जितनी भी हेवी चेन बनाने वाले, वाले कॉन्सटेंट रीज़न हैं हेवी चेन में जो कॉन्सटेंट रीज़न है उसके सबके आगे स्विच रीज़न होता है यानी कि आई बनाने वाले का सी गामा के आगे स्विच रीज़न मिलेगा आई जी जी वन के आगे भी स्विच रीज़न है आई जी जी टू बी के आगे भी स्विच रीज़न है फिर आई जी जी टू ए के आगे स्विच रीज़न है फिर आई जी एप्सिलॉन यानी कि आई जी ई बनाने वाला जो होता है उसके आगे भी एक स्विच रीज़न है और आई जी ए बनाने वाला जो सेक्रेटर, सेक्रेटरी सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है तो इसका जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीज़न जो होता है उसको बनाने मतलब इसके भी अपस्ट्रीम जो होता है स्विच रीज़न होता है तो सभी के आगे स्विच रीज़न होते हैं एक्सेप्ट आई बनाने वाला जो हैवी चेन का कॉन्स्टेंट रीज़न है इसके आगे इस जीन के आगे अपस्ट्रीम स्विच रीज़न नहीं होता दूसरा हो गया रिकॉम्बिनेज एंजाइम तो जब भी क्लास स्विचिंग होती है in response, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोकाइन रिस्पॉन्स तो इनमें लूप फॉर्मेशन होता है मान लीजिए हमको क्लास स्विच करना है आई वन तो जो लूप बनता है इस लूप में आई जी जी वन का स्विच रीज़न होगा फिर आई जी जी थ्री का कांस्टेंट रीज़न होगा हेवी चेन का फिर आई जी जी थ्री का जो स्विच रीज़न होगा फिर आई जी डी का कांस्टेंट रीज़न होगा हेवी चेन का कांस्टेंट रीज़न होगा और आई जी एम के हेवी चेन का कांस्टेंट रीज़न होगा ये एक लूप सेपरेट हो जाएगा तो इन द ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आई जी जी वन हमेशा इस आ, आ, कॉम्बिनेशन के जो लूप हैं वो बनेंगे अगर लूप बनाना है फर्दर हमें आ, मान लो आ, मान लो आ, क्लास स्विचिंग हो रहा है सीधा आई में तो आई में जो लूप बनेगा और जो सेपरेट होगा वो लूप में ये सारे के सारे प्रोडक्ट होंगे जीन के तो ये पर्टिकुलर क्लास स्विचिंग जो होती है इन द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्रजेंस ऑफ साइटोकाइन स्पेशली इंटरल्यूकिन फोर और इसमें एक चीज़ और ये देखी गई है दूसरा एक चीज़ और ये देखी गई है कि कभी कभी क्लास टिचिंग होती है डायरेक्ट जैसे आपके पास अभी आई जी एम बना हुआ है और आई जी एम से सीधा जो है आई जी ई बन जाता है ये डायरेक्ट क्लास टीचिंग होती है एक इनडायरेक्ट क्लास टीचिंग होती है जिसमें सबसे पहले आई जी एम से सबसे पहले आई जी जी बनेगा है ना और आई जी जी वन बनेगा सॉरी और आई जी जी वन बनने के बाद एक लूप निकला फिर दूसरा उसके बाद फिर लूप बनेगा मतलब लूप फॉर्मेशन दो बार होगा और फिर जा कर के आई जी ई बनेगा है ना तो ऐसे दो लूप निकलेंगे तो एक होता है डायरेक्ट लूप फॉर्मेशन एक होता है इनडायरेक्ट लूप फॉर्मेशन तो इनडायरेक्ट क्लास स्विचिंग भी होती है और डायरेक्ट क्लास स्विचिंग भी होती है ठीक है नाउ अब हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स तो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए हमें पता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उसको रिमूव करने की जरूरत होती है तो यहाँ पर भी हम जब देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जो वेरिएबल जीन्स होते हैं उनमें भी स्प्लाइसिंग होती है फाइनली स्प्लाइसिंग होने के बाद इसको हम कहते हैं मतलब इसको हम कहते हैं एक्चुअल में प्राइमरी प्राइमरी आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट प्राइमरी आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट में जब तक स्प्लाइसिंग नहीं होगी तब तक एम आर ए नहीं बनेगा एम आर ए नहीं बनेगा तो ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाएगा एम आर ए बनते ही एम आर ए न्यूक्लियस के बाहर चला जाता है तो प्राइमरी आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट में बहुत सारे इंट्रॉन्स होते हैं इसमें कहीं कहीं जे सिक्वेंसेज भी होते हैं जिसको रिमूव करना होता है तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर दो जे सिक्वेंस हैं इसमें से एक ही या बचा बाकी रिमूव हो गया तो ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एनी इम्यूनोग्लोबुलिन इट इज़ रिक्वायर्ड टू टू रिमूव द इंट्रॉन्स विच आर द नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस दिस आर द नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस द जे कप्पा जो है ये भी एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है यहाँ पे सो इट हैज़ टू बी रिमूव और इनके रिमूव होने पर दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू द एमआरएनए एंड दिस एमआरएनए इज़ नाउ कमिंग आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस ठीक है साथ में कुछ पोस्ट ट्रांजेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसमें पॉली एडिनाइलेशन भी हो जाता है और ये जो इंट्रॉन्स के रिमूवल को हम कह रहे हैं दिट इज़ कॉल्ड एज आर एन स्प्लाइसिंग रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आर एन स्प्लाइसिंग लाइकवाइज जो हैवी चेन्स के कांस्टेंट रीज़न्स होते हैं इसमें भी आप देखेंगे तो ये हेवी चेन का कांस्टेंट रीज़न है ये हैवी चेन का एक पूरा जीन लूप है कांस्टेंट रीजन है इट आल्सो कंटेन्स डिफरेंट इंट्रॉन्स और इन इंट्रॉन्स को रिमूव uh, करना बहुत जरूरी होता है सो इट हैज़ टू बी रिमूवड एंड जब ये रिमूव होते हैं तो इसको भी हम कहते हैं आर एन एंड नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज़ द एम आर एन एंड दिस एम आर एन ए कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेटेड इन टू द राइबोसोम इन टू द कम्प्लीट हैवी एंड लाइट चेन्स तो नाउ कम्स टू दैट जो बी सेल है उसमें जो हैवी चेन होती है दैट इज़ सी एच थ्री या कहीं कहीं सी एच फोर सी एच थ्री मिलती है आई जी ए आई जी डी आई जी जी में और सी एच फोर मिलता है आई जी ई और आई जी एम में तो जब ये बनती है मैं इसको आपको बताता हूँ इसमें आप देखेंगे कि जो आई जी जी आई जी डी और आई जी ए ये इन तीनों में हिंज रीजन है यहाँ पर और यहाँ पर सी एच वन सी एस टू सी एस थ्री ऐसे थ्री यूनिट्स हैं केवल सी एच वन सी एस टू सी एस थ्री लेकिन आई जी ई और आई जी एम की बात करें तो आई जी ई में सी एच वन सी एस टू सी एस थ्री और सी एच फोर ऐसे चार यूनिट हैं ऐसे आई जी एम में भी सी एच वन सी एस टू सी एस थ्री सी एच फोर ऐसे चार यूनिट हैं तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होता है इनमें एंटीबॉडीज में इस्पेशली हेवी चेन के केस में तो ये जो हेवी चेन्स होती हैं ये सिकरेटेड कब होती हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड कब होती हैं तो सिक्रेटेड फॉर्म तब देखने को मिलता है जब इसमें हाइड्रोफिलिक सीक्वेंस ऑफ ट्वेंटी एसिड्स होते हैं इन कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन तो ये यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं ये स्ट्रक्चर जो है सिक्रेटेड म्यू यानी आईजीएम का जो हेवी चेन है उसका है सिक्रेटेड और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो एंटीबॉडीज़ है उसका जो हेवी चेन है उसका तो ये मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड रहता है तो आपको पता है कि बी सेल में एंटीबॉडीज़ बनती है और सीक्रेटेड तब होती है बी सेल जब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो इधर बी सेल जब सिक्रेटेड एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है तो जो लोअर पोर्शन है ये एक्चुअल में लगभग ट्वेंटी एसिड्स का लोअर पोर्शन जो रहता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाता है ओके ट्वेंटी एसिड्स जो कि कार्बोक्सिल टर्मिनल के होते हैं उस कार्बोक्सिल टर्मिनल पे ये हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होता है हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होता है और अब हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड की तो मेम्ब्रेन बाउंडेड में जो फोर्टी एमिनेसड सिक्वेंस होते हैं वो हाइड्रोफिलिक सेगमेंट होते हैं जो कि आउटसाइड एक्सटेंड होते हैं तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं यहाँ पे हम समझते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड में जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड जो होती है ये फोर्टी एम की होती है लगभग ये हाइड्रोफोबिक होती है फोर्टी एम उसके बाद जो आउटसाइड होता है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है ठीक है हेवी चेन इसको हम कार्बोक्सिल टर्मिनल एंड भी बोलते हैं और इसको हम जो होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहलाता है ओ टी एम का जो ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहलाता है तो आखिर ये सिक्रेटरी और मेम्ब्रेनस कैसे पॉसिबल है मेम्ब्रेनस कैसे पॉसिबल है इसके लिए हम डीएनए सीक्वेंस देखते हैं आईजीएम का है ना फॉर एग्जाम्पल तो आई में जो सी यूनिट है लास्ट सी यूनिट तो सी यूनिट में ही चेंज देखने को मिलता है तो सी में आप डीएनए एन ए पैटर्न देखेंगे तो एक एस सेगमेंट होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड का सेगमेंट होता है और ये थ्री प्राइम एंड पर होता है ठीक है थ्री प्राइम एंड पर होता है यहाँ पर आप देखेंगे ये एस सेगमेंट बना हुआ है एस सेगमेंट के डाउन स्ट्रीम आप जाएंगे तो एक एम वन सेगमेंट होता है और एक एम टू सेगमेंट होता है तो एम वन सेगमेंट और एम टू सेगमेंट क्या बनाते हैं जो एम वन सेगमेंट होता है वो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बनाते हैं ठीक है ये एम जो एम वन सेगमेंट है ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट बनाते हैं ये एम वन मेम्ब्रेन सेगमेंट बनाता है और जो एम टू है वो साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट ऑफ सी एच फोर डोमेन बनाता है तो ये एम टू जो है ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन बनाता है ठीक है और एस जो है यहाँ पर ये एस जो है ये सेक्रेटरी यानी कि ये वाला डोमेन बनाता है नीचे का सो ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नलिंग पाथवे ये डिसाइड होता है कि इसको सेक्रेटरी बनना है या इसको मेम्ब्रेन बाउंड बनना है तो जब स्प्लाइसिंग होती है और इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एस भी रिमूव होता है तो एम वन एम टू बनता है और ये जो है फाइनली uh, मेम्ब्रेन बाउंड चेन बनाते हैं और स्प्लाइसिंग होती है और अगर एम वन एम टू स्प्लाइस हो जाते हैं सेपरेट आउट हो जाते हैं तो जो एस सेगमेंट बनता है वो जो है सिक्रेटरी प्रोडक्ट बनाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि एम वन एम टू जो होते हैं वो सिक्रेटरी न्यूक्लियोटाइड से वन पॉइंट एट किलोबेस्पेयर डाउन स्ट्रीम पर होते हैं तो ये वाला जो आपको इंट्रॉन दिख रहा है ये वन पॉइंट एट किलो बेस पर डाउन स्ट्रीम ये है और ये थ्री प्राइम है ये जो होता है ये क्या होता है थ्री प्राइम होता है है ना ये जो होता है फाइव प्राइम होता है लेकिन साइमल्टेनियसली कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई एम और आई दोनों ही बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं तो जो डी एन है उसमें आई जी एम के म्यू सिक्वेंस और आई जी डी के जो डेल्टा सिक्वेंसेस हैं वो एक दूसरे के काफ़ी नियर अबाउट रहते हैं और ये जो नियरिंग रहती है ये फ़ाइव किलो बेस्पियर की रहती है मतलब इन दोनों के बीच में जो गेप रहता है वो फाइव किलो बेस्पियर न्यूक्लियर का होता है और जो एंड जो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है इसमें फिर चार पॉलीएटेल होती है साइट uh, वन और साइट टू पॉली जो होती है ये ये म्यू चेन के साथ कनेक्टेड होती है और साइट थ्री और साइट फोर पॉली चेन होती है वो डेल्टा चेन के साथ में ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आपको ये कनेक्टेड होती है अगर इस समय एक्चुअल में सिग्नल सिग्नलिंग का या री अरेंजमेंट का जो आ, आ, नहीं मिलता है सिग्नल तो ऐसे केस में मीन्स देर इज़ अ लेक ऑफ स्विच साइट है ना अगर लेक रहता है सिग्नल का तो ऐसे में ये आर एन ट्रांसक्रिप्ट का कुछ नहीं होता पर जैसे ही सिग्नल मिलता है अगर वो म्यू के लिए मिलता है तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो एम आर एन ए में कन्वर्ट होता है तो वो म्यू एम आर एन ए में कन्वर्ट हो जाता है और अगर उसको डेल्टा के लिए मिलता है तो जो आ, डेल्टा चेन है उसका एम आर बन जाता है और ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जो साइट वन और साइट टू है ये हमेशा म्यू के साथ में अटैच्ड रहती है और साइट थ्री और साइट फोर जो पॉलीडिलाइलेशन की चेन है वो एक्चुअल में डेल्टा के साथ में अटैच्ड रहती है तो इस टाइप से आ, एस पर रिक्वायरमेंट एस पर सिग्नलिंग या तो म्यू चेन बनती है या डेल्टा चेन यानी कि आई बनता है या फिर आई बनता है नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टॉपिक सिंथेसिस असेंबली एंड सिक्रीशन ऑफ हम्यनोग्लोबलिन तो जब एम आर ए बनता है इसके बाद ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन में एक लीडर सिक्वेंस है जो प्रोटीन में बना हुआ रहता है और ये जैसे लाइट चेन और हेवी चेन दोनों का ही ट्रांसलेशन होता है एम आर ए न्यूक्लियस से बाहर आ के राइबोसोम से बाइंड होता है ये यहाँ राइबोसोम से बाइंड हो गया

इस प्रोटीन को कि आपको किधर की तरफ ट्रेवल करना है तो जैसे ही लीडर सीक्वेंस बनता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये लीडर सीक्वेंस क्लीवड हो जाता है लीडर सीक्वेंस एम में भी रहता है जिसका मेन काम ये रहता है उसको गाइड करना प्रोटीन को कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बने देन आफ्टर क्लीवेज ऑफ लीडर सीक्वेंस इट इज कॉल्ड एज नेसेंट आई जी जी और नेसेंट आइजी जो होते हैं इमेनोग्लोलिन जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं रफ एंडो प्लाजिक रेडिकुलम पर एंड वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम रफ एंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम टू तो गॉल्गी बॉडी और गोल्गी बॉडी से ये ट्रेवल करते हैं टूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड ऑफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जो लाइट चेन और हेवी चेन है इनके आपस में असेंबली होती है और इसमें जो इंटर डाइसल्फाइड बोंड्स हैं वो बनते हैं और साथ में ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो हेवी चेन और लाइट चेन के बीच में डाइसल्फाइड बोनिंग होती है और ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो इस टाइप से जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका सिंथेसिस होता है चेन सिंथेसिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट डिफरेंट होता है लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द आईजीएम तो आईजीएम में जो हैवी चेन है वो पहले लाइट चेन के साथ बाइंड होती है तो दो अलग अलग हेवी चेन अपने अपने लाइट चेन के साथ बाइंड होती है तो इसको फिर बाद में आपस में बाइंड होता है है ना एक ये चेन अलग है ये चेन अलग है तो दोन देन इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है और फिर बाइंड होता है अगर हम बात करें आई की तो इफ़ इन केस ऑफ द आई जैसे ये एक अलग है ये अलग है दैट इज़ फॉर्म्ड इन आईजीएम आईजीजी के केस में टू हेवी चेन बोन्स फर्स्ट टू इच अदर तो एच टू बनता है देन एक इंटरमीडिएट एल चेन बाइंड होती है तो एच टू एल बनता है तो आईजीएम में बनता था एच टू एल टू एंड आईजीजी में बनता है एच टू एल वन सबसे पहले होता है फिर एल टू होता है देन आफ्टर इसमें ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो इसमें डाइसल्फाइड बॉन्डिंग पहले हो जाती है क्योंकि एच टू बन रहा है तो एच टू बनने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्डिंग पहले हो जाती है आ, देन बाद में इसमें इंटरमीडिएट बनता है जबकि आई जी एम में सबसे पहले क्या होता है कि सी एच टू एल टू दोनों बनते हैं देन उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है फाइनली अगर ये इंट्रामेम्बरस रहेगा तो आई जो इम्यूनोग्लोबुलिन से वो इंट्रामेम्बरस होके बाउंड हो जाएगा और मेम्ब्रेन आई जी जी कहलाता है और अगर वो सिक्रेटरी होगा तो उसमें एस जीन एक्सप्रेस होगा और इस टाइप से गोल्गी प्रोटेस्ट से फाइनली इसका सिक्रेशन हो जाएगा नाउ अब हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन ट्रांसक्रिप्शन की तो इसके लिए तीन स्पेशल रीजन्स होते हैं किसी भी डीएनए में वो रीजनस होते हैं या तो वो प्रमोटर रीज़न होगा या फिर इन्हांसर रीज़न होगा और या फिर साइलेंसर uh, रीज़न होगा ऐसे तीन रीज़न होते हैं तीनों ही होते हैं मतलब तो पहला रीज़न है प्रोमोटर रीज़न प्रोमोटर रीजन रिलेटिवली शॉर्ट इंक्लोटाइट सिक्वेंसेस होते हैं जो कि एक्सटेंडिंग अबाउट टू हंड्रेड पेयर अप स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट तो ये मान लीजिए लीडर सीक्वेंस जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है तो इसके लगभग टू हंड्रेड बेस पेयर अप स्ट्रीम की तरफ आपको एक प्रोमोटर देखने को मिलेगा जो कि लगभग शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का होता है एंड ये प्रमोट करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ठीक है तो ये प्रमोटर है एक ये लीडर सीक्वेंस के पहले मतलब जो प्रमोटर रहता है वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट के अप स्ट्रीम रहता है ठीक है और कितना अपस्ट्रीम रहता है लगभग दो सौ बी स्पेयर रहता है इसके बाद दूसरा आता है इन्हांसर इन्हांसर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं विच इज सिचुएटेड सम डिस्टेंस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फ्रॉम जीन दैट एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द प्रमोटर सिक्वेंस इन एन ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट मैनर सो ये एक जीन है इसके अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों ही तरफ ये इन्हांसर होता है जो कि फ्यू न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंसेस का होता है और ये क्या करता है ये हमारे प्रमोटर को एक्टिवेट करता है ठीक है इसके बाद तीसरा आता है साइलेंसर ये साइलेंसर जो होते हैं दे आर ए न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस दैट डाउन रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑपरेटिंग इन बोथ डायरेक्शन ओवर ए डिस्टेंस तो ये डाउन रेगुलेशन करते हैं साइलेंसर और बोथ डायरेक्शन में करते हैं यहाँ से ऐसे भी करेंगे यहाँ से ऐसे भी करेंगे तो बोथ ही डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन का डाउन रेगुलेशन करते हैं यानी कि प्रमोटर इन्हांसर तो अप रेगुलेशन करने के लिए जरूरी होते हैं जबकि साइलेंसर जो होता है वो डाउन रेगुलेट करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन के केस में ये जो प्रमोटर होते हैं ये लीडर सिक्वेंस से टू हंड्रेड पेयर अप स्ट्रीम होते हैं तो ये अप स्ट्रीम यानी आगे की तरफ और इन केस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन के वी एच रीज़न से अप इस्ट्रीम होते हैं और लाइट चेन तो कप्पा चेन और गामा कप्पा चेन और लेमडा चेन ये दोनों लाइट चेन है तो जो वी कप्पा और वी लेमडा है इन दोनों के भी अपट्रीम ये प्रमोटर देखने को मिलते हैं यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वी कप्पा इसके अप स्ट्रीम में है ये वी कप्पा के अप स्ट्रीम में है या वी हैवी चेन के अप स्ट्रीम में है तो ऐसे अप इस्ट्रीम में देखने को मिलते हैं ये जो प्रमोटर होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बहुत ही स्पेसिफ़िक होते हैं क्योंकि इनमें कंजर्व्ड सिक्वेंसेस होते हैं जिसको हम आ, टाटा बॉक्स कहते हैं है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें ए रिच रीज़न होता है ए रिच रीज़न होता है इसलिए हम इसको टाटा बॉक्स कहते हैं और टाटा बॉक्स का मेन काम ये होता है कि इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स को बाइंड करने की कैपेसिटी करता है कैपेसिटी रखता है विच सर्व फॉर द बाइंडिंग ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स देट आर नेसेसरी फॉर द इनिशिएशन ऑफ आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन तो ये प्रमोटर में बिल्कुल ये जो ये आप जो लीडर सिक्वेंस के यहाँ पर ये जो रेड रेड देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर कहीं टाटा बॉक्स होगा तो वो क्या करता है इस टाइप के प्रोटीन पेप्टाइड बनाता है जो कि बाद में बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ बाइंड होने की कैपेसिटी रखता हो और इस्पेशली आर एन ए को भी इनिशिएट करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंड होंगे तभी आर एन ए जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट होगा आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन मेनली आर एन ए सेकेंड के कारण होता है और आर एन ए सेकेंड जो एंजाइम है वो प्रमोटर जो टाटा बॉक्स है उससे डाउन स्ट्रीम पर लगा होता है तो ये आप देखेंगे लीडर सीक्वेंस और प्रमोटर के बीच का जो गैप है यहाँ पर कहीं पर हमारा डीएनए जो आरएनए एन सेकंड है वो बाइंड होगा आरएनए एन सेकंड बाइंड होगा और आरएनए एन सेकंड जो बाइंड होता है वो हमेशा डाउन स्ट्रीम बाइंड होता है ऑफ टाटा बॉक्स तो ये यह यहाँ पर सपोज़ कीजिए यहाँ टाटा बॉक्स है और यहाँ पर जो है हमारा आर एन ए सेकेंड एंजाइम है तो वो जो एंजाइम होगा वो एंजाइम बेसिकली बाइंड किसके साथ होता है वो बाइंड होता है फ्रॉम इनिशिएशन साइट ठीक है इनिशिएशन साइट के साथ बाइंड होगा लेकिन वो कहाँ होगा वो हमारे टाटा बॉक्स से डाउन स्ट्रीम होगा कितना डाउन स्ट्रीम होगा तो लगभग ट्वेंटी फाइव बेस पेयर डाउन स्ट्रीम होगा तो देखिए लीडर सीक्वेंस और प्रमोटर के बीच के का जो गेप था वो टू हंड्रेड पेयर था और प्रमोटर और बीच में जो हमारा आ, मतलब प्रमोटर का जो टाटा बॉक्स है और बीच में हमारा जो इनिशिएशन साइट है जहाँ पर हमारा आर एन ए पॉलीमर सेकेंड बाइंड हो चुका है उन दोनों के बीच का जो गेप है वो सिर्फ ट्वेंटी फाइव पेयर का गेप है साथ ही जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रमोटर्स है जिसमें टाटा बॉक्स हमने पढ़ा कि टाटा बॉक्स होता है इन प्रोमोटर में साथ में एक इसेंशियल और कंजर्ड ऑक्टामर भी होता है यानी कि आठ अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि स्पेशली बी सेल में ही मिलते हैं ऑक्टामर बाइंड uh, करता है विथ टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑक्टो वन एंड ऑक्टो टू तो ऑक्टो वन जो होता है बहुत सारे सेल टाइप्स में मिलता है लेकिन ऑक्टो टू जो होता है वो स्पेशली बी सेल में ही मिलता है तो ऑक्ट वन और ऑक्टो टू क्या है बेसिकली ऑक्ट वन और ऑक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं तो यहाँ पर हमें अब ये देखना है कि जो इन्हांसर है ये आखिर बी सेल में कैसे काम करता है तो इन्हांसर जो होता है बेसिकली इसमें अगर हम एक बात करें एक जीन है जो कि ई टू ए जीन है ठीक है ये ई टू ए जीन क्या करता है एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन बाद में क्लीव्ड होकर के दो अलग अलग प्रोटीन में कन्वर्ट होता है ये दो अलग अलग प्रोटीन म्यू के साथ बाइंड होता है और कप्पा के साथ बाइंड होता है और म्यू और कप्पा के इनहांसर से बाइंड हो जाता है और इस टाइप से बी सेल का डेवलपमेंट होता है अगर हम ई टू ए माइस ले लें तो उस ई टू ए नॉकआउट माइस में बी सेल की ग्रोथ नहीं होगी अप्सेंस हो जाएगी बी सेल की जबकि टी सेल का नॉर्मल प्रोलिफ्रेशन होगा तो किसी भी सिंथेसिस में ये जो जीन रीअरेंजमेंट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जीन का आपस में रीअरेंज होना किस वी को किस जे के साथ बाइंड होना है किस जे को किस किस डी के साथ बाइंड होकर के हेवी चेन बनानी है तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर डीएनए रीअरेंजमेंट में किसी भी टाइप के इम्यनोग्लोबिल हेवी चेन या लाइट चेन बनने में किसी भी टाइप के सेल डेथ इनिबिटर जुड़ जाते हैं या जो सेल डेथ को रोकते हैं ऐसे जीन्स एड हो जाते हैं तो डेथ नहीं होती सेल की एंड दे विल बिकम कन्वर्टेड टू द कैंसर सेल लाइक ट्रांसलोकेशन ऑफ सी मिक एंड बी सी एल टू ये दो अंक जीन ऐसे हैं जो कि मेलिग्नेंट बी सेल लिम्फोमा कॉस करते हैं अगर सी मिक जीन एड हो जाए तो इसके कारण बर्किट्स लिम्फोमा होता है जो कि बी सेल लिम्फोमा है और अगर सी मिक की जगह बी सी एल टू अगर बाइंड हो जाए तो प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है और फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा क्रिएट होता है फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा क्रिएट हो जाता है तो ये देखा गया है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन की सिंथेसिस है और जो टी सी आर टी सेल रिसेप्टर की सिंथेसिस है उनका एक ही पाथवे होता है और उनके पाथवे में जो रिकॉम्बिनेशन का एंजाइम है रेग वन और रेग टू यही रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन इसके बाद भी हेवी चेन और लाइट चेन हमेशा बी सेल में ही एक्सप्रेस होती है और जो टी सी आर होता है वो हमेशा टी सेल में ही एक्सप्रेस होता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो इनिबिट हो जाते हैं बी सेल में और कुछ जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं टी सेल में इसलिए टी सी आर हमेशा टी सेल में ही एक्सप्रेस होगा और जो हमारा हेवी चेन और लाइट चेन है वो हमेशा बी सेल में एक्सप्रेस होगी तो यहाँ ये देखा गया है कि हेवी चेन और लाइट चेन का एक्सप्रेशन जो होता है वो टी सेल में रिड्यूस हो जाता है नाउ नेक्स्ट हेडिंग है एंटीबॉडी जीन्स एंड एंटीबॉडी इंजीनियरिंग एंटीबॉडी इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है क्योंकि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है पहले माउस से ली जाती थी और उसको ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाता था तो ह्यूमन में कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक देखने को मिलते थे या ह्यूमन में आ, उसके अगेंस्ट भी एंटी anti एंटीबॉडी बन जाती थी इसके बाद ह्यूमन में अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेशन किया जाए तो इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट हैज़ ए सम टेक्निकल प्रॉब्लम तो एक साइंटिस्ट हैं इनका नाम है केसर मिल्स्टीन केसर मिल्स्टीन ने अभी मैन मेड एंटीबॉडी बनाई है और मैन मेड एंटीबॉडी या फिर मोनोक्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाइए और इसको हम कहते हैं मैन मेड एंटीबॉडी जो कि केसर मिलस्टीन ने बनाई है ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंटर ऑफ मोनोक्लोन एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी तो मोनोक्लोन एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किसने किया तो मिल्स्टिन ने किया इसमें उन्होंने क्या किया कि एक काइमेरिक एंटीबॉडी प्रिपेयर की जिसमें जो कांस्टेंट रीज़न है वो एक स्पीशीज से लिया और जो वेरिएबल रीज़न है वो दूसरी स्पीशीज से लिया तो अलग अलग स्पीशीज से इसको इन्होंने काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी ऐसे करके तैयार किया इस टाइप की काइमेरिक एंटीबॉडीज़ का यूज़ स्पेशली मतलब एज ए पावरफुल टॉक्सिन के रूप में भी किया जाता है फॉर पर्टिकुलरली एंटीजेनिक टारगेट लाइक ट्यूमर सेल तो ट्यूमर सेल को डैमेज करने के लिए भी इसको हम एंटी टॉक्सिन कह के भी बुलाते हैं uh, या फिर सॉरी इसको हम टॉक्सिन कह के भी बुलाते हैं जो कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट डालता है ट्यूमर सेल के ऊपर तो थैरेपेटिकली इस टाइप की एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं फॉर डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल तो जो काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी होती है इसमें प्रमोटर होता है इसमें लीडर सीक्वेंस होते हैं मतलब इसके डीएनए में और जो वेरिएबल सीक्वेंस होते हैं वो माउस के होते हैं और जो कांस्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं वो ह्यूमन के होते हैं तो इस काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी को हम ह्यूमनाइज्ड एंटीबॉडी भी कहते हैं तो यहाँ पिक्टोरियल डायग्राम में आप देखेंगे कि जो वेरिएबल रीज़न है वो माउस का है लाइट चेन में और हीवी चेन में भी जो वेरिएबल रीज़न है वो माउस का है कांस्टेंट रीज़न जो है लाइट uh, चेन का वो ह्यूमन का है और कांस्टेंट रीज़न जो हैवी चेन का है वो भी ह्यूमन का है और यहाँ पर एक सिलेक्शन जीन होता है और प्रमोटर जीन होता है और इनको आपस में फ्यूज़ कराते हैं फ्यूज़ कराने के बाद में हमें फाइनली एक एंटीबॉडी मिलती है जो कि काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी होती है इसमें आप देखेंगे कि जो वेरिएबल रीजंस ऑफ माउस एंटीबॉडी है ये बहुत ही कम होती है मतलब इसकी जो कंसनट्रेशन है बहुत कम होता है इस प्रोटीन का इसलिए ये ह्यूमन के लिए इतनी ज़्यादा एंटीजेनिक नहीं होती है और इसलिए इसका यूज़ एज ए मोनोकुल एंटीबॉडी ह्यूमन में किया जाता है इस टाइप की जो ह्यूमन माउस एंटीबॉडीज़ हैं इसमें ये देखा गया है कि बायोलॉजिकली ये ह्यूमन एंटीबॉडी जैसी काम करती है और इट रिटेन बायोलॉजिकल इफेक्टार फंक्शन ऑफ ह्यूमन एंटीबॉडीज़ कैसे कि ये ह्यूमन के कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए यूजफुल होती है या फिर इसकी जहाँ पर भी एस सी रिसेप्टार बाइंडिंग होगी वो एस सी रिसेप्टार बाइंडिंग ह्यूमन की तरफ से होगी ऐसे ही आ, एक ऐसी काइमेरिक एंटीबॉडी है जिसका स्पेशली यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हॉट लिम्फोमा के केस में इट इज़ वन टाइप ऑफ बी सेल कैंसर ऐसे ही ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन के लिए आ, जो हेट्रो कॉन्जुकेट बनाए जाते हैं और कुछ टॉक्सिन कॉन्जुकेट बनाए जाते हैं तो टॉक्सिन कॉन्जुकेट स्पेशली बाइंड होता है ट्यूमर सेल से और ट्यूमर सेल को डिस्ट्रॉय करता है विद द हेल्प ऑफ दिस टॉक्सिन्स और जो हैड्रोकट्स होते हैं उसमें एक पार्ट तो एंटी ट्यूमर एंटीबॉडी का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो टी सेल सेप्टार के साथ बाइंड होता है और इस टाइप से साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है और या फिर टी सेल की जगह इसको एन के सेल के साथ बाइंडिंग के लिए भी बनाया जाता है ताकि वो एन के सेल को एक्टिवेट करे और फाइनली इस टाइप से भी ट्यूमर सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो दो मेथड है ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन की या तो टॉक्सिन को लिंक कर दें एफ सी रीज़न पर कायमेरिक इम्यूनोटॉक्सिन कहते हैं इसको और या फिर हेड्रोकॉन्जुगेट बना दिया जाए जिसमें एक पार्ट तो एंटीटॉक्सिन का होता है जो कि स्पेशली जो ट्यूमर सेल है उसके साथ बाइंड होता है और जो दूसरा पार्ट है वो एन के सेल या फिर टी सेल को एक्टिवेट करता है और इससे फर्दर ए वगैरह की जो प्रोसेस है वो होती है और सेल डेथ होती है एक यहाँ पर एक पैटर्न और है जिसको हम ग्राफ्टेड सी कहते हैं ये सी जो होते हैं इसको वेरिएबल रीज़न्स में लगाया जाता है माउस के तो जो वेरिएबल रीज़न है ये हमने माउस से लिए हैं तो हम पूरा वेरिएबल रीज़न माउस से लेने के बजाय केवल जो सी हैं वही जो है माउस से लेकर के इसमें ग्राफ्ट कर देते हैं इस टाइप से आप देखेंगे कि चार अलग अलग पैटर्न हैं या तो हम मोनो मुनु, मोनोक्ल एंटीबॉडी से हम काइमेरिक माउस ह्यूमन एंटीबॉडी बना सकते हैं क्राफ्टेड सी बना सकते हैं काइमेरिक इम्यूनोटॉक्सिन बना सकते हैं और या फिर हाइड्रोकॉन्जिगेट बना सकते हैं नाउ दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शन कि जो नॉन हॉटकिंस डिसीज़ है इस हॉटकिंस uh, लिम्फोमा है इसका हम ट्रीटमेंट एंटीबॉडीज़ के थ्रू कैसे करते हैं तो इट इज़ ए क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रीड इट फ्रॉम क्यू बी इम्यूनोलॉजी एंड फ्रॉम सिक्स एडिशन ओके और यहाँ पर कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रेड नेम एपसी जी मैब देन डेकली uh, देन इनफ्लिक्स बीमेब देन uh, भी जूमैप इसके नाम से आता है जो कि अभी मोनोकुलर एंटीबॉडीज़ हैं और ये इनके कुछ टारगेट प्रोटीन्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम क्यू बी सिक्स एडिशन इम्यूनोलॉजी और अल्टीमेटली दो कायमेरिक प्लाज्मा सेल के थ्रू भी हम फर्दर कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से अपनी तरफ से लाइट और हैवी चेन बना के भी एंटीबॉडी uh, प्रोडक्शन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनिग्रबलिन जीन्स एक्चुअली ये जो लास्ट का कैमरिक एंटीबॉडी का टॉपिक uh, जो है वो बहुत ही एलेबोरेटिंग uh, फॉर्म में मैं अलग से वीडियो में इसको डिस्क्राइब करूँगा और साथ में इसको मैंने uh, जो हाइब्रिड उमो टेक्नोलॉजी मैंने एक आ, वीडियो बनाया है उसमें भी आप देख सकते हैं तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर ज़्यादा एलिबोरेट नहीं करने वाला हूँ सो आई एम जस्ट फोकसिंग द टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स एंड आई हैव कवर्ड इट आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल दिस टॉपिक सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो होप यू आर इन्जॉइंग दिस टॉपिक ऑल्सो थैंक्स